चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। अब एक चीज़ मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्वेश्चन बार बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, 12 व्यक्ति अपने एक क्लब बना लेते हैं, ठीक है, 12 व्यक्ति है जिन्होंने क्लब बना लिया, ध्यान से समझ लो। तो मान लो कि अपन पर्सन को डिनोट करें नंबर से, ठीक है, महीने में एक बार पर्ची निकाल कर उनमें से एक व्यक्ति सभी के लिए रात्रि भोज की मेज़बानी करेगा। अब देखो पर्ची निकाल रहा है, हो सकता है एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, हो सकता है अगली बार ये आ जाए फिर से, कोई प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी है ना इसमें, प्रायिकता है ये। एक वर्ष में किसी विशेष सदस्य को कितनी बार रात्रि भोज की मेज़बानी करनी होगी, ध्यान से समझना। मैंने नंबर एक चूज़ किया, हो सकता है इसे कभी नंबर ही नहीं आए, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि साल के 12 के 12 बार में इसका 12 बार नंबर आ जाए, समझ रहे हो ना, ये तो एक प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है, प्रायिकता इसी को बोलते हैं। तो याद रखना, तो 1, 0, 3 कुछ भी नहीं, पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो ये चीज़ याद रखना, उससे करो पेपर, ठीक है। आगे देखो अब ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, एक मोटर गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अपने मासिक पेट्रोल का उपभोग कम कर दिया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन जो है कम कर रहा है, ठीक है, कीमत उपभोग संबंध इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कीमत और मासिक उपभोग दिया हुआ है, कीमत जब 40 रुपये थी प्रति लीटर तो 60 रुपये 60 लीटर खर्चा कर रहा था, तो टोटल पैसा देखो उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, यहाँ पे 2400 खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें वो मत लगाने लग जाना सिक्वेंस वाला, वो नहीं, इसमें कंजम्पशन की बात है, ठीक है। अभी देखो 50 × 48, अब ये देखो 50 रुपये जब हो गए तो 48 इसने कम कर दिया ना, तो अभी इसका मतलब पैसे देखो सेम ही खर्च करेगा, जुड़ा करो 5 × 8 = 40, 4 × 5 = 20, 20 = 2400, इसका मतलब समझ में आ गया, ये कांस्टेंट प्राइस है, देखो फिर ये वापस से 2400 आ गया, ठीक है, तो ये भी 2400 होगा, तो सबाइस बात, अब ये बोला कि 80 रुपये प्रति लीटर हो जाते तो कितना करेगा उपभोग, तो सबाइस की बात है 2400 कब आएगा, जब 80 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ये एनसीईआरटी केस क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, देखो डायग्राम वाले क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तो यूपीएससी हटाई दिया है, नहीं आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, यूपीएससी देख लो अब, आप देखोगे ना 2018 में एक आया था, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं आए, मतलब इस टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा बहुत यूपीएससी लेवल बढ़ चुका है, बच्चों जैसे एग्जाम नहीं रहा, ठीक है। अरे मैंने रीजन भी बताया था उस टाइम, ब्लाइंड के लिए अलग से पेपर होता था, ये रीजन रहता था इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे ये है जो कहाँ पे मूव ऑन हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर देखो यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे चला गया, ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे आ गया, तो अपने को पता है कि अगली बार कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो किस डायग्राम में कहाँ पे जा रहा है, ये तो गया, अभी दो ही ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, जो जहाँ पे ये आ रहा था, ठीक है। अब देखो ये देखो ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल देखो उल्टा है, मतलब पहले सीधा था फिर उल्टा हुआ, फिर सीधा है फिर उल्टा हुआ, तो अब सीधा होगा, अब देखो ये उल्टा है तो ये कट गया, आंसर आ गया फट से। मैं फिर बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना, मैं तो गलती कर बैठोगे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको, ठीक है। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिक्वेंस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये आते हैं, ये अभी आए 2022 में भी आए थे, और आगे आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इनकी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तरीका पकड़ना पड़ता है, ठीक है, एक सिक्वेंस है वो ऑब्जर्व करनी पड़ती है। अब देखो ये देखो ये 6 आ गया, पर एक तरीका तो 3 × 2 = 6 आ गया, पर क्या ये इसमें लागू हो रहा है, नहीं लागू हो रहा। 8 देखो मान लो कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, एक चीज़ लागू हो गई, आंसर आ जाएगा फट से। मैंने 3 लिया और 3 से एक अंक जो है कम उससे गुणा किया, 3 × 2 = 6, तो 6 आ गया। अब ध्यान से देखो इधर 8 है, अब मैं 8 से एक कम लूँगा 7, 8 × 7 = 56, अब ये 2 पे लग गया, तो मतलब अपना फॉर्मूला लग गया। अब आ गया देखो 10 से एक कम संख्या लो, 9 से गुणा करो 90 है। अब यहाँ देखो 2 से एक कम लो 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखो 1 से कम 0 तो 0 आ जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ लिया 5, मैं इसे एक कम करूँगा गुणा 4, तो 5 × 20 आंसर आ गया। बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। मेरे अनुसार और लोगों ने किसी और दूसरे तरीके से भी किया होगा, तो दूसरा मेथड भी बता दें।
फिर मैंने ना उसको क्या किया था, तीन का है ना, तीन को ना तीन से गुना किया तो हो गया नौ, नौ में से भी तीन घटा दिए, सही 8 में भी किए, 10 में भी 10 घटा दिए, वो वही दो वही में वही, दो पर घटा हाँ दिए। याद रखना वो भी तरीका है, तो मैंने जो तरीका बताया वो भी, अब देखो एक और तरीका सुन लो, वो जो पूजा बता रही है वही तरीका है, पर मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। तीन का स्क्वायर करो ठीक है, और तीन घटा दो, समझ में आया, जिस संख्या का स्क्वायर करोगे उसी संख्या से घटाना है। 8 का स्क्वायर करो 8 घटा दो ठीक है, तीन तक 9 करोगे, 9 में 3 घटाओगे तो 6 आ गया ठीक है। अब देखो 10 का स्क्वायर करो और 10 घटा दो, तो वही सेम चीज़ आ रही है ठीक है। 2 का स्क्वायर करो और 2 घटा दो, 4 में 2 घटा दो। अब 1 का स्क्वायर करो और वही संख्या घटा दो तो 0 आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब है यहाँ मानो एक्स, एक्स का स्क्वायर करो और एक्स ही घटा दो ठीक है, और वो बराबर वो संख्या आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 ये समीकरण बन जाएगा ठीक है। ऐसे तो ऑप्शन लेके कर सकते हैं, मैंने ये बताया था जब भी समीकरण बनने लगा ना तो ऑप्शन यूज़ कर लिया करो। अब यहाँ पे एक्स बराबर 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 आ गया आंसर फट से, समझ में आया। कभी भी समीकरण सोल्व करने मत बैठ जाना, ऑप्शन मेथड यूज़ कर लेना ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ देखो यही चीज़ें पकड़ो, पेपर वही लेवल है, अरे आगे भी यही लेवल रहने वाला है, ऐसा नहीं कि पेपर बहुत टफ हो जाएगा, बस ऑब्जर्व करते रहो ठीक है। अगला देखो, अब देखो 7 है यहाँ पे, कुछ है ये 21 है, 31 है, 43 है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे जो भी संख्या थी ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ संख्या मिली और यहाँ से कुछ संख्या अपने को आगे मिली। अब देखो ध्यान से देखना, 21 में कितने जोड़ने पे 31 आ रहा है, 10। ध्यान से समझना, ऑब्जर्व करो बस, जो दिया है ना उस नंबर को पकड़ना अपने को, यहाँ मत पड़ जाना, यहाँ ऑब्जर्व करो, यहाँ 10 हो गया था, 10 जोड़ने पे 31 आया, और यहाँ पे देखो 12 जोड़ने पर 43 आ रहा है। इसका मतलब अपने को कॉमन सेंस आ गया कि प्लस 2 जोड़ने से चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है। ध्यान से समझना यहाँ पे, मतलब देखो इसमें भी कुछ ये जो नंबर है इसमें प्लस 2 जुड़ा होगा, जो भी नंबर होगा ये ठीक है, उसके बाद में वो मतलब देखो जैसे नहीं 10 जुड़ा है 12 जुड़ा, तो यहाँ पे जुड़ा होगा 8 इस नंबर में ठीक है, और यहाँ पे जुड़ा होगा 6, तो 7 प्लस 6 कितना हुआ 13। अब देखो 13, अब ये लगा लगा के देख लो, 13 प्लस 8 21, हाँ एकदम सही जा रहा है, तो आ गया आंसर। तो मैं फिर बता रहा हूँ इस चीज़ को पकड़ना, कभी गलती नहीं होगी इस चीज़ को पकड़ना ठीक है, कॉमन सेंस लगाओगे हो जाएगा ठीक है। अब आकर देखो, तो वही है कि ये देखना कि कौन सी आकृति में ये दिया हो, तो देखो अपने को ये देखना, ये देखना, ये देखना, ध्यान से देखना। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला तो है, ये वाला है, परंतु देखो ये तिरछा है यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके बना हुआ, ऐसे ये आयत बन गया ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं होगा ये ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये वाला दोनों तो मिल रहा है, पर ये देखो इनकी, ये देखो ये चौड़ाई कम कर दिया यहाँ पे, ये गया ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे भी तिरछा कर दिया है, और यहाँ पे अपने को बिल्कुल सीधा दिया है, गलत आई, ये देखो हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीधा दिया है, बिल्कुल सीधा, और ये दोनों अपने को दिया हुआ है, आंसर डी ठीक है। तो ये चीज़ देख लो, अब ये देखो, अब देखो एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया, ध्यान से देखना ये वो वाला क्वेश्चन है एक्स वाला, याद करो। और मैं फिर बता रहा हूँ यही पैटर्न आपको 2024 में भी मिलेगा, अब ये गलत नहीं होने, जब फोड़ दूंगा ये गलत क्वेश्चन हुए तो आगे ठीक है। केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए ठीक है। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए तो परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। बहुत कॉमन लॉजिक वाला क्वेश्चन है ठीक है, ध्यान से समझना, मैं 2-3 तरीके से करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया ठीक है, उसने 8 प्रश्न हल किए, टोटल प्रश्न पता नहीं कितने हैं अपने को ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। अब मैंने मान लिया, ध्यान से समझना, कि सब एक एक अंक का है, तो कितने टोटल मार्क्स कितना का, मतलब जो जो उसने सोल्व किया था वो 8 मार्क्स का सोल्व किया था, और उसमें से उसने कितने पाए हैं 50%, मतलब 4 नंबर वो पाया है। ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, बिल्कुल है ना, कुछ भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए, अब ये जो 4 है, ये जो 4 है किसके बराबर है, 40% के बराबर, समझ में आया। तो ये देखो 4 बराबर है 40% के, चाहो तो हाँ ये 40% बराबर लिखो 4 के बराबर, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 4/40 ठीक है। तो 100% का मान चाहिए ना अपने को, तो 100 × 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 10 क्वेश्चन आंसर इजीली, कुछ भी नहीं करना था ठीक है। एक तरीका तो ये, कौन ज्वाइन करना चाह रहा था, अरे टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो, कौन है,
नर्मदा कहाँ गायब रहती हो आप? क्लास विलास भी देख रही हो नहीं देख रही है? ठीक है तो ये चलो ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड देखो, मैं ऑप्शन मेथड से कराता हूँ। एक मेथड मैं फिर बता रहा हूँ, वो वाला मेथड है वो याद रखना ठीक है। दो तीन मेथड से कराता हूँ इस क्वेश्चन ठीक है। अगला देखो, एक ये क्वेश्चन आएगा ही। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 8 प्रश्नों का हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए ठीक है। तो ये 8 है, 8 अंक माना, मान लो इसके 4 नंबर आए थे ठीक है। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किया, सोचो अब 40% मतलब सब से जब 10 क्वेश्चन होंगे, मैंने ऑप्शन लिया 10, 10 का टोटल मार्क्स हो जाएगा 10। अब 10 में से अगर अपने 4 नंबर आ रहे थे तो कितना हुआ, 40% हुआ ना, तो डायरेक्ट आंसर इससे भी आ जाएगा ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। लास्ट तरीका देखो, जो फट से मैंने वो उस दिन बताया था, देखो 8 प्रश्नों को हल करने प्रयत्न किया और 50% अंक प्राप्त किए, मतलब स्वाभाविक सी बात है इसने 4 नंबर जो प्राप्त किए हैं ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ठीक है ये जो 40% अंक आया है ये किसका मान है ठीक है, मतलब टोटल का चार चार का जो मान है ये वही वाला तरीका है, 4/x × 100 से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है। ये 100% है जो ये x का मान चाहिए, मतलब 10 में जिसका भी मान चाहिए अपने को, और ये जो आया है अपने को इसका मान आया है। जैसे मान लो अपन वो राम लाभ राम श्याम का लाभ निकालोगे तो क्या होता था, टोटल टोटल उसने तो जितना हिस्सा है जितना पैसे हैं वो उसमें से निकालते हैं ना, तो वही है चीज़ें ठीक है। तो डायरेक्ट वो सोल्व करोगे तो वही बात आ जाएगी जो अपन उधर किए थे, पर ये कि इसमें डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो आप ठीक है। तो ये 4 × 100 ये 0 0 0, 4 से 4 कट गया तो ये 10 आ गया, x बराबर 10। तो वही चीज़ है, सीखना चाहिए बस, ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होती है कुछ ही नहीं ठीक है। मैं 3-4 मेथड बता दिए, समझ आ गया? मैं फिर बता रहा हूँ, किसी को नहीं समझ बता दिया करो। अब देखो अगला देखो, मैंने पहले वाले नियम से बनाया। हाँ ठीक है वो वाला तरीका भी सही है, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। आगे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, एज रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा, घबराना मत। इस क्वेश्चन देखो कहाँ से पकड़ना है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, ध्यान से समझना। एक पिता की उम्र है, उम्र मान ली मैंने, पिता की उम्र मानी एक्स, ध्यान से समझना, और उसके पुत्र की उम्र मानी मैंने वाई, ध्यान से समझना ठीक है। उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तो मतलब जैसे मान लो इसके, मान लो कि बच्चा जो 1 साल का है तो ये 9 साल का था ठीक है, तो सबाई सी बात है ये ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अपन गुणा किससे करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाने के लिए पुत्र की आयु को गुणा करेंगे ताकि वो बराबर आ जाए ठीक है। तो एक इक्वेशन अपनी ये बन जाएगी ठीक। आगे पढ़ो, तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, ध्यान से समझना। माता के मान लिया मैंने जेड, जेड बराबर, अब देखो वाई है, अब ये माता की उम्र इसे 8 गुनी है, तो पुत्र को गुणा करोगे बराबर लगाने के लिए ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये दूसरा इक्वेशन अपना बन गया ठीक है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है, तो एक्स प्लस जेड का वैल्यू अपने को दिया है 51 ठीक है। तो पुत्र की उम्र क्या है, कुछ नहीं बहुत ईजी है, ये 9y और 8y यहाँ पे रख दो, क्योंकि एक्स बराबर 9y है तो 9y रख दिया मैंने, जेड बराबर 8y है तो 8y रख दिया मैंने, और ये 51, 9 8 17 17 का भाग दोगे 17y = 51, तो y बराबर 17 से काट दोगे 17 3 51, याद रहो, फाड़े भूल गया ना फोड़ दूंगा तुम लोगों को, आंसर आ गया फट से। यही सबसे बेस्ट तरीका है, अरे हर साल क्वेश्चन मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, हर एक साल छोड़ के मिलेगा क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। तो मैंने जो बताया तरीका इसी से करना, यही सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का ठीक है। सर मैंने इसमें क्या किया था, मैंने एक्स मान लिया पुत्र की आयु, और 9 गुना उसको 9x कर दिया और 8 गुना से उसको 8x कर दिया। उसने दूसरे लाइन में बोला है कि माता पिता का योगफल इतना है, तो 9x और 8x को ऐड करके 51 इक्वल कर दिया, और फिर उसने हाँ तो वही है बंदो, ये सीक्वेंस से करो, ऐसे नहीं होता है, नहीं तो फिर वो गलत गलती कर बैठो। चलो ठीक है ठीक है, अब सुनो ये नहीं मैंने जो बताया तरीका वो अपनाया करो। सुनो अब आगे देखो, एक ऑप्शन वाला मेथड भी सिखा देता हूँ ठीक है, ध्यान से देखना। पुत्र की उम्र क्या है, अब मान लो कि मैंने कितनी बार बोला है, जब भी हमेशा यहाँ से शुरू किया था ठीक है, मैंने जैसे मान लो पुत्र की उम्र लिया 3, ध्यान से समझना, ऑप्शन मेथड से भी किया जा सकता है, ध्यान से समझना, ऐसे तो मैंने जो बताया वही लगाना ठीक है। एक ऑप्शन मेथड भी मैं सिखा देता हूँ, पुत्र की उम्र मान लिया मैंने 3 ठीक है, जो आंसर आ रहा था मैं एक बता रहा हूँ एक तरीका लेने का, पर ऑप्शन मेथड से क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ करना उस तरीके से, पर फिर भी ऑप्शन बता रहा हूँ, जब मान लो कि कभी कन्फ्यूज हो जाओ आंसर चेक करने के लिए, तो ये चीज़ तरीका अपनाना ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने पुत्र की उम्र मान ली 3, ध्यान समझना। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, 9 × 3 = 27, तो उसके पिता की एज कितनी आ गई, 27 आ गई ठीक। आगे देखो, तथा माता की उम्र पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, 8 + 24,
अब जोड़ लो क्या 51 आ रहा है, आ रहा है 7 4 11 1 2 5 आ गया, इसका मतलब सही है अपना। ये भी ऑप्शन मेथड है, तो ये आंसर को वेरीफाई करने का तरीका है, तो ये चीज़ याद रखना ठीक है। ये भी एक बेस्ट तरीका है आंसर वेरीफाई करने का, ठीक है। और मैं भी बता रहा हूँ तरीका वही अपना, हमने मैंने ऐसे ही किया था मैं, ठीक है। ऑप्शन मेथड में ऐसा तुम्हें नहीं पता है ना कि 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, कर सकते हो पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्रोसीजर सीखो, मैं फिर बता रहा हूँ ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान से बना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक समूह में ए बी सी डी ओ 4 व्यक्ति है और 2 विवाहित जोड़ों के रूप में, तो इसका मतलब मैंने बताया था 2 विवाहित जोड़ों के रूप में, तो ऐसे बनेगा ठीक है। दोनों स्त्री अपने पतियों से लंबाई में छोटी है, ध्यान से देखना। तो मैंने देखो ध्यान से बना, फीमेल 1 ले लिया, फीमेल 2 ले लिया, ये मेल ले लिया, मेल 1 और ये मेल 2 ले लिया। इन्होंने क्या कंडीशन दे दी कि उनके जो पतियों से उनकी हाइट कम है, तो मेल 1 की हाइट ज़्यादा होगी फीमेल 1 से, और मेल 2 की जो हाइट ज़्यादा होगी फीमेल 2 से, ठीक है। ध्यान से देखना, ए की लंबाई चारों में सबसे अधिक है। अब अपने को पता नहीं वो मेल 1 है कौन है क्या है, अपन तो यही मान के चलेंगे ए जो है सबसे ज़्यादा लंबा है, इतना तो कंफर्म पता लग गया। सी की लंबाई जो है बी से अधिक है, सी की लंबाई, अब देखो ये अगला केस है, सी की जो लंबाई है बी से अधिक है ठीक है। डी जो है बी का भाई है, ध्यान से समझना, डी जो है बी का भाई है। अब देखो बी के बारे में अपने को जेंडर पता नहीं है, पर डी का जेंडर पता लग गया कि डी लड़का है, डी लड़का है और ये जो है बी का भाई है। अभी लड़का बी जो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। इस संदर्भ निम्न खतरों में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान से समझ, सही नहीं पूछा है। और मैं फिर बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आएगा है रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अपने पास यही इन्फॉर्मेशन है, अब इसके आधार पर अपन क्या है निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, सभी चारों व्यक्तियों में पारिवारिक संबंध है, मुझे बताओ ओनली डी और बी के बारे में अपने को फैमिली रिलेशनशिप दिया है, और कुछ दिया है इसके बारे में? रुक जा, एक मिनट, ठीक है। देखो एक समूह में ए बी सी डी हो, चार व्यक्ति है, 2 विवाहित जोड़ों के रूप में है ठीक है। दोनों स्त्री अपने पतियों से लंबाई में छोटी है ठीक है, दोनों अपने पतियों से छोटी है ठीक है। ए की लंबाई चारों में सबसे अधिक है ठीक है, तो ए पुरुष हो जाएगा, ये तो कंफर्म है ठीक है। ध्यान से समझना, क्यों चार, क्योंकि जैसे देखो ये मेल 1 की ज़्यादा लंबाई थी, मेल 1 कुछ भी हो सकता है, पर इतना तो पता लग गया ए पुरुष है, ध्यान से समझना, ए पुरुष है, डी पुरुष है ठीक है। तो ये पता लग गया तो सबाई बात है बी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी ठीक है, और सी भी महिला हो जाएगी। अब ये पता लग गया अपने को ठीक है। अब आगे देखो, देखो ये निकालना पड़ेगा आपको, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से देखो, ए की जो लंबाई है वो ज़्यादा है ठीक है, सबसे ज़्यादा है ठीक है। अब अपने को पता है सी की लंबाई बी से ज़्यादा है, और डी क्या है अपने पास पुरुष है ठीक है। अब सी जो है ये भी महिला है, देखो ये भी महिला है, बी भी जो है महिला है ठीक है। तो इसका मतलब है ए से जो जस्ट नीचे कौन होगा, डी होगा ठीक है, उससे जस्ट नीचे कौन होगा, ये सी होगा, जस्ट नीचे कौन होगा, बी होगा ठीक है। अब देखो एक चीज़ तो ये पता लग गया अपने को ठीक। दूसरी चीज़, ए जो है मतलब पुरुष है ठीक है, ये मान लिया कि M1 जो है ए है ठीक है। अब ये तो पता नहीं अपने किसकी वाइफ है, हस्बैंड है, ये अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, बी हो सकता है सी, पर हाँ पता लग जाएगा ना, क्योंकि देखो M2 है डी है, तो डी की वाइफ तो बी तो नहीं हो सकती, तो कौन होगी, सी होगी ठीक है। अब ध्यान समझना, जब डी की वाइफ ये है सी, अब देखो डी की बहन जो है वो एक ही वाइफ होगी बी, तो ये पारिवारिक संबंध बन जाएगा, ऐसे ये जीजा हो जाएगा इसका, समझ में आया? तो ये चीज़ तो सही है, पारिवारिक संबंध है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो माइंड को सचेत रखना, नहीं तो गलतियाँ कर बैठोगे ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इन चारों में बी की लंबाई सबसे कम है, हाँ ये देखो अपने निकाल लिया बी की लंबाई सबसे कम है। ए जो है बी का पति है, हाँ ये भी देखो सही निकाल लिया। सी की लंबाई डी से अधिक है, नहीं रे ये तो अपने को दिया ही था, सी की जो लंबाई है डी से अधिक है, नो गलत, यही ऑप्शन अपने को चूज करना। मैं फिर बताऊँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें सारी चीज़ें आपको माइंड चेक कर ली है। और याद करो मैंने ऐसे क्वेश्चन जो कल वाले पेपर में भी था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज चेंज वो सब पता करने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? देखो देखो थोड़ा खोलना पड़ा है, इतना ईजी नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से खोलना पड़ा इस क्वेश्चन को, तब जाके समझ में आया ठीक है। अब आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर बताऊँ इसीलिए बता रहा हूँ, UPSC PYQ कर लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोचिंग वाले ऐसे क्वेश्चन बना भी नहीं सकते, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से देखो, कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में पूछ रहा है ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ें पढ़ा करो एग्जाम में जाते, सबसे पहले इसको गोला किया करो। एक आदमी के परिवार में एक पत्नी है, 2 पुत्र है और 2 पुत्रियाँ थी, ध्यान से समझना। एक आदमी का परिवार है, ये मेल है
इसकी वाइफ है, ठीक है, एक परि ठीक है, एक आदमी के परिवार में एक पत्नी है, दो पुत्र है, ठीक है, ये हो सकता नहीं, कोई जरूरी नहीं, ये मतलब उसका ससुर भी हो सकता है, ध्यान से सोचो। चलो ठीक है, ये आपने को पता बता दिया कि ये एक फीमेल है, बस इतना, एक पत्नी है, एक परिवार में एक पत्नी है, दो पुत्र है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इसका एक पुत्र हो गया, ठीक है, और ये जो पुरुष होगा, ये जो मान लो कोई पुरुष है यहाँ पे, ये मेल है, ठीक है, इसका कोई पुरुष, इसका भी बेटा होगा एक, मान लो यहाँ पे भी कोई मेल होगा, ये मान लो मेल वन माना मैंने, ये मेल टू है, ठीक है, और इसका भी, इनका भी एक बेटा होगा, ठीक है, तो दो पुत्र हो गए, ठीक है, तो ये दो पुत्र हो गए, ठीक है, ये इसका बेटा हो गया, ये इसका बेटा हो गया, दो पुत्र है और दो पुत्रियाँ थी, ठीक है। अब ये एक, ये हो सकता है कि इसकी चाइल्ड रहे, एक लड़की डॉटर रहे, ठीक है, मान लो फीमेल वन रहे, डॉटर रहे, एक इसकी भी एक डॉटर हो सकती है, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी, देखो इसमें कोई कंफर्म कंडीशन नहीं, बोला क्या है, आगे बढ़ो। पुत्रियों को एक भोज पर आमंत्रित किया गया है और परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक पर बाहर चले गए हैं, ठीक है। देखो आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी के आधार पर कंक्लूजन निकालना, पुत्रियाँ तो गई है, भोज पर आमंत्रित किया गया है और परिवार के जो पुरुष सदस्य पिकनिक पर बाहर चले गए, ध्यान से समझना। अभी इस महिला के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया, ये कहाँ पर है, घर पर है, इससे यही पता लग रहा है कि घर पर है वो, ठीक है। आगे देखो, उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा है, मतलब जो भी एक आदमी था, ये आदमी, इसका पिता जो था, ये वाला जो पिता था, ये काम से नहीं लौटा, ये बाहरी है। अब देखो ध्यान से समझना, केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, चलो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है इसकी वाइफ जो है, ठीक है, केस लेके चलते हैं, ध्यान से देखना। यह संभावना है, अब देखो ये केवल वर्ड बोल दिया तो 100% तो 100% डाटा अपने पास है ही नहीं, तो अपन कैसे कंफर्म बता सकते हैं, ये चीज यार, ये संभावना, मैं फिर बता रहा हूँ, संभावना वाले तो ऐसे सही होगा, संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, मैंने बोला था ना, यही है, ये वाइफ जो है उसके घर पर रह गई थी, ये संभावना, अपन कन्फर्म नहीं बोल सकते, यही आंसर है। घर पर कोई भी नहीं रह गया था, ऐसा कुछ नहीं, अपने लग रहा है कि वो वाइफ है, घर पर एक से अधिक व्यक्ति रह गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं, ये संभावना है, ध्यान से समझना। एक आदमी, एक परिवार में एक पत्नी, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थी, तो ये मैंने बताया था, ये पिता था उसका, ये हस्बैंड है, इसकी जो ये वाइफ है, ठीक है, इनकी दो बेटियाँ थी, ये इसकी बेटी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, वो अपने को नहीं बोल पता है। अगर मान लो इसकी दो बेटियाँ थी, वो दो गए, ठीक है, पुत्रियों को भोज पर आमंत्रित किया गया और परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक बाहर चले गए, एक उस आदमी को पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा है, ठीक है। तो ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 100% श्योरिटी वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा, केवल उस आदमी की पत्नी घर पर रह गई थी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये संभावना। देखो ना, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी मैंने बोला है जीएस में होता है सीसेट में, हमें जब दो ऑप्शन एक ही बात कर रहा, तो आंसर दो तो उसी में से आएगा, तो ये तो पहले हटा दो, केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी, ये संभावना है कि उस आदमी की पत्नी घर पर रह गई थी, हाँ ये संभावना, प्रोबेबिलिटी केस तो लेके चल सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, और फिर उतारो रीजनिंग में संभल के कहना, 100% गारंटी डाटा वाले में मत चले जाना, ठीक है, ध्यान से देखो। ये देखो स्टेट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। गीता ने बोला, जब से नरेश ने ध्यान प्रारंभ किया, मतलब मेडिटेशन प्रारंभ किया है, वह अधिक अच्छा बॉक्सर बन गया, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप मेडिटेशन करो तो अच्छा फोकस करने लग गया और बॉक्सर बन गया, ध्यान से समझना, दिस इज ए पॉसिबिलिटी। अब ऐसा नहीं कि हर कोई मेडिटेशन करने लग जाएगा और अच्छा बॉक्सर बन जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, रीजनिंग में हमेशा ऐसे लेके चलना। आगे देखो, राधा, असंभव है किसी बॉक्सर का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी आक्रामकता है। अब ये एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट बोले कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मेडिटेशन करे और वो बॉक्सर बन जाए, क्योंकि जो बॉक्सर बनने के लिए सबसे ज़्यादा एंग्रीनेस चाहिए, और मेडिटेशन तो व्यक्ति खुद से कंट्रोल करता है, एंगर नहीं आता उसको, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोधाभास जा रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब देखो जो स्टेटमेंट फालतू है उनको काटो, नरेश पहले खराब बॉक्सर था क्योंकि वह पर्याप्त आक्रामक ही नहीं था, ऐसा अपने को कहीं पहले की सिचुएशन के बारे में अपने कुछ भी आइडिया नहीं दिया है, बस ये गीता बोल रही है, जब से मेडिटेशन किया अच्छा बॉक्सर बन गया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास। नरेश ने बॉक्सर होने के कारण ध्यान आरंभ भी नहीं किया था, ऐसा कुछ है, कोई फालतू बात पढ़ ली, ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो ऑप्शन आंसर इन्हीं में चाहेगा, ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है, ठीक है, हाँ ये बात तो अपने पता लग रहा है, क्योंकि देखो ये जो बोल रही है राधा बोल रही है, एकदम इसका कॉन्ट्राडिक्शन बोल रही है कि अगर वो मेडिटेशन करेगा, ध्यान देगा, तो उसकी आक्रामकता कम हो जाएगी, और नहीं तो वो स्वाभाविक सी बात है, उसको बॉक्सर बनना तो आक्रामकता ज़्यादा होनी चाहिए, हाँ तो ये बात तो है कि कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, ठीक है, इस विषय को प्रतिबिंबित करता है।
ध्यान करने वाले व्यक्ति पर ध्यान का नगण्य प्रभाव पड़ता है या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो याद करो इस टाइप के वर्ड तो हमेशा काटते हैं अपन, तो आंसर ये आ जाएगा कि ध्यान की प्रवृत्ति किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाने की होती है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि ये इसको कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, वो इसी वे में कर रहा है कि अगर वो ध्यान करेगा तो उसकी आक्रामकता कम हो जाएगी। एकदम सही बात है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। अरे इनके अकॉर्डिंग माइंड चलाना सीखो ना, ठीक है। अभी देखो, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया है गोला, अच्छे खिलाड़ी है, ठीक है। और जो भी अच्छे खिलाड़ी है वो जीतना चाहते हैं, मतलब विन जीतना चाहते हैं, जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं सब जीतना चाहते हैं। और जो खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, जो विन ये चाहते हैं, वे सभी संतुलित भोजन करते हैं। ये जितने भी हैं सबके सब संतुलित भोजन करते हैं, ध्यान से समझना ये चीज़, ये संतुलित भोजन करते हैं, ठीक है। अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते हैं खराब खिलाड़ी है। देखो इन्होंने कंक्लूज, अब देखो अपने को ये जो दिया है, अब अपने अनुसार मत सोचना, आप तो ये भी सोच सकते हैं भाई हो सकता है कोई जरूरी सही है, ठीक है। अब अपने को ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी के अनुसार कंक्लूजन निकालता है। कोई खराब खिलाड़ी जीतना ही नहीं चाहता, ये तो क्या बात करो, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्यों नहीं जीतना चाहेगा, कोई जीतना तो चाहता है ऐसा कुछ ही नहीं, अपने जो इन्फॉर्मेशन दिए ये दिया है, बस ये चाहिए रखना। अब देखो प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है, अरे ये कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक खिलाड़ी जो संतुलित भोजन करता है वह अच्छा खिलाड़ी है, ऐसे कोई, देखो मैं फिर बता रहा हूँ 100% श्योरिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रत्येक बार ये एक्सट्रीम केस जा रहा है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। सभी खिलाड़ी जो जीतना चाहते हैं अच्छे खिलाड़ी हैं, अरे नहीं, देखो देखो पहले तो ध्यान से देखना, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो जीतना चाहते हैं, ठीक है। और जो जीतना चाहते हैं वो सारे के सारे संतुलित भोजन करते हैं, अपने को बात ये है। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता है वह अच्छा खिलाड़ी नहीं, हाँ यहाँ दिया है देखो। अतः वे सभी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करते हैं खराब खिलाड़ी है, तो इसे देखो यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता है वो अच्छा खिलाड़ी, और याद करो मैंने कितने बोला, जब इस टाइप के निष्कर्ष पूछो तो आखिरी की लाइन में ही निष्कर्ष छुपा रहता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कोई भी खिलाड़ी जो संतुलित भोजन नहीं करता है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ये यहीं से अपने को पता लग रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है अपन कन्फर्म नहीं कह सकते, ये अब मैं फिर बता रहा हूँ, और जो भी लगा रहा है वो क्वेश्चन वो अपना खुद का दिमाग चला रहा है, वो पैसेज के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ रहा जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अभी देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये सबसे इजी फ्रूट है, ये कभी गलत मत करना। अरे फिर बता रहा हूँ, आते रहेंगे आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, पहले भी आए थे तो आगे भी आते रहेंगे। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले फास्ट करने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पढ़ो कौन क्या पूछ रहा है। ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, तो सी के बारे में पूछ रहा है, अरे ए की तुलना में पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो, यदि ए जो है बी से कम तेज दौड़ता है, ध्यान से, तो बी मतलब क्या हो रहा है, ए से ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, और बी जो है सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो बी का स्वाभाविक सी बात है कि बी का और इसका सी का रिलेशन बराबर है, तो इसका जब बराबर है तो सी जो है स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, ए से ज़्यादा हो जाएगा। तो ए के सी से तुलना में क्या हो गया, सीधी सी बात है ए से तेज, आंसर आ गया फट से। क्या ही करना है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये गलत मत करना। आगे देखो, कौन सा कथन सही नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप का आंसर आता हो चारों ऑप्शन चेक करना, नहीं तो गलती कर बैठोगे। इसी याद रखना, चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब ध्यान देना, ए बी सी और डी में से प्रत्येक के पास 100 रुपये, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। ये ऐसा क्वेश्चन अभी आगे भी मिलेगा आपको, सबके पास 100-100 रुपये हैं, ठीक है। ध्यान समझना, ए जो है बी को 20 रुपये देता है, ध्यान से समझना, ए जो है बी को 20 रुपये दे दिया, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 80, इसके पास हो जाएंगे 120, ठीक है। एक एक कंडीशन लगाते जाओ आराम आराम से। ए जो है बी को 20 रुपये देता है, जो मतलब बी के बारे में बात हो रही है, जो सी को 10 रुपये देता है। अब देखो सबाई सी बात है, इसके पास कितने हो जाएंगे 110 रुपये, और सी के पास में कितने हो जाएंगे 110 रुपये, ठीक है। आगे देखो, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, अब ध्यान से देखना, मैं फिर उतार रहा हूँ, इसमें है ये भाषा पकड़ने वाली बात है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब कौन किसके बारे में बात कर रहा है यही पकड़ने वाली बात है। देखो ए जो है, ध्यान से दोबारा पढ़ो, ए जो है बी को 20 रुपये देता है, ठीक है, ए जो है बी को 20 रुपये देता है, जो सी को 10 रुपये देता है, जो बी जो है वो सी को 10 रुपये देता है, ठीक है, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो डी से, डी के पास जो 100 थे उसमें कम होंगे, ठीक है, और किसको मिल रहा है ये, सी को, जिसे मतलब सी को, ये चीज़ याद रखना। तो देखो ध्यान समझना, अब यहाँ पे डी के पास कितने हो जाएंगे 70, और सी को कितने हो जाएंगे 140,
बी के पास कितने हुए 110, 80, आखिर में अपने पास ये समीकरण बन गया। यही भाषा पकड़नी है, जिसे जो याद रखना, तो ये आखिरी वाले की बात करता है। कौन सा आयतन सही नहीं है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। देखो सी सबसे धनाढ्य है, हाँ ये बात देखो, सी के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, ये बात तो सही है, गलत स्टेटमेंट पूछा तो अपन को। डी सबसे निर्धन है, डी जो है सबसे कम पैसा, हाँ ये बात भी सही है। आगे देखो, बी जो है डी से अधिक धनवान है, बी जो है, हाँ ये बात सही है, तो अब ऑटोमेटिक गलत आंसर ये होगा। अब देखो कैसे, ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए, ए और डी के पास कितने होंगे 150 रुपये, सी के पास उससे अधिक रुपए, अरे नहीं सी के पास 140 ही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, अब रीजनिंग में फंसाएगा, ये चीज़ याद रखना। जो ये सब चीज़ें मैं है ना नोट्स भेजूँगा उसमें है, लिखा है मैंने, ये चीज़ याद रखना, मैंने पहले ही रीजनिंग वाले नोट भेजे तो उसमें भी था, ये चीज़ याद रखना। ए जो और जिसे बड़ होता है ना वो अपने नज़दीक वाले के लिए आता है, हाँ ए जो बी को 20 रुपये देता है, जो मतलब यहाँ पे बी सी को 10 रुपये देता है, जिसे डी से 30 रुपये मिलता है, जिसे मतलब सी को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, अब ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, कोई पत्रिका नहीं पढ़ते तो याद करो, मैंने बोला था जब भी ये आठवां केस हो गया, मतलब अभी तीन है ना, ध्यान देखना, मैं फट से इस करूँगा इस क्वेश्चन को। ए ये मैंने ले लिया, ए ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ठीक है। ये आठवें केस की बात करा तो अपने को ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने इसको नाम दिया ही था उस टाइम, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो अपने, ठीक है। ये मान लिया मैंने आर, मान लिया ये मान लिया टी, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो किसी नगर में 45% लोग ए पत्रिका पढ़ते हैं, देखो ए के बारे में दिया तो ये टोटल 45% है, ठीक है, 25% लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, 40% लोग सी पढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, 30% लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं, मतलब देखो ध्यान से देखना, मतलब एक्स प्लस जो है आर का जो मान है, ठीक है, ए प्लस दोनों पढ़ने वाले, ये दोनों पढ़ने वाले का ये देखो यही आएगा, ठीक है, ए प्लस वो है 30% है, ठीक है। आगे देखो, 15% लोग बी और सी पढ़ते हैं, बी और सी मतलब ये वाला, तो ये जेड प्लस आर हो जाएगा 20%, ठीक है। 25% लोग पत्रिका ए और सी पढ़ते हैं, मतलब ए और सी मतलब ये हो जाएगा वाई प्लस आर, ध्यान से समझो, वाई प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा ये 25% लोग, ठीक है। आर का मान आ गया सभी पत्रिका पढ़ने वालों का, देखो अब ध्यान से देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आर का मान दे दिया 10, यहाँ पे फटाफट से 10 रखो, सब जगह 10 रखो, 10 रखो, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, देखो एक्स फटाफट निकालो, एक्स का मान आ गया 20, ठीक है, वाई का मान निकाल लो 15, ठीक है, जेड का वो कितना आ जाएगा 10, फट से आ गया। अब देखो कोई पत्रिका नहीं पढ़ते मतलब अपने को टी का वैल्यू निकालना है, अभी मैंने क्या बोला था ये सारा जो 100% के बराबर होगा, ठीक है, तो इसको जोड़ लो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब एक तरीका देखो, एक्स वाई जेड का मान आ गया, अब देखो चाहो तो इसको ऐसे भी करके निकाल सकते, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब देखो मैं निकालता हूँ, देखो फटाफट ध्यान से देखना, अब मुझे चाहो ना तो उस तरीके से कर सकते हैं, तो वो निकालो, देखो तरीका ये जोड़ो, p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ये इसके बाद में x वाई जेड प्लस आर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये कितना परसेंटेज होगा, ये मैंने उस टाइम बताया था कि 45-55 इसको जोड़ो और इसमें से जो है इसको घटाओगे तो उसके बराबर आ जाएगा। अब देखो चाहो तो इसको, अब देखो पी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये भी है, नहीं तो देखो मैं बता रहा हूँ ना इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, रुको देखो सुनो, अब देखो सुनो, एक्स का मान कितना है 20, ध्यान से समझना, ये है 20, ठीक है, आर का मान कितना है 10 है, ठीक है, ये 30 हो गया, वाई का मान कितना है 15, तो ये 45 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये टोटल ही 45 हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, तो सब ऐसी बात है, यहाँ पे जो केवल ये पढ़ने वाले हैं वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये है 20, ये है 10, 30, जेड का मान कितना है 10 है ना, तो 40 हो गया, तो ये जो ओनली जो बी पढ़ने वाले हैं ये 15% है, ठीक। आगे देखो, यहाँ पे देखो ये वाई है, वाई कितना है 15, ये 10, 25 जेड 35 में से ये मतलब 5 आ गया, ठीक है। अब सब ऐसी बात है, इनको सबको जोड़ दो और 100 में से घटा दो। अब देखो ये जोड़ो, अब देखो एक ही पार्ट को जोड़ते जाओ, ठीक है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, ये सारा जोड़ लो, ठीक है, अब इनमें से क्या क्या बार बार आ रहा, रिपीट आ रहा, चलो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, सुनो ये 5 बचा, ठीक है, 5 जोड़ा, ठीक है, अब ये वाला मैं जोड़ रहा हूँ, 5 जेड का 15,
15 ये कितना हो गया, आर को जोड़ोगे तो 25, 25 और वाई जोड़ा, वाई जोड़ा तो 40, ठीक है। तो ये वाला तो टोटल आ गया 40, ठीक है। आगे देखो, अब ये अपने पास ये तो जीरो आई, ये बचा 40 20 60, ठीक है। 60 और ये कितना था, 15, 60 और 15 कितना गया, तो 75, 75 आ गया। तो नहीं नहीं कुछ गलती हो, रुक जाओ, ये वाला पार्ट अपन ने जोड़ा था, ठीक है, 100 में से घटाओ। देखो ये वाई कितना है, 15, ये 10 है, ठीक है, 15 भी 25, 25 और जेड 35, 35 और ये 5, 35 5 कितना हो गया 40, ठीक है, ये 40 मान लो, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बचा है अपने पास, ये जीरो है, ठीक है, और ये कितना है, 40 20 60, 60 है, ठीक है, कुछ तो गलती हो रही है। और ये कितना बचा था अपने पास, 15 55, अरे रुको मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ इसको, ठीक है, तरीका यही है इसको करना, रुक जाओ। देखो ना, एक तो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को ना, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा, पर मैं वेन डायग्राम से बताना चाह रहा हूँ, यही सबसे बेस्ट तरीका है। एक तो वो तरीका देखो, सुन लो, चलो फिर मैं बता रहा हूँ। ए यू बी यू सी, ये मैंने उस दिन बताया था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, प्लस बताया था उस दिन, क्या था, एन ए इंटरसेक्शन, नहीं माइनस ही आएगा, एन इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन वाला इंटरसेक्शन लो, ठीक है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो वही है, प्लस आखिरी में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आप देखो एन ए जोड़ो, देखो 45 प्लस 55, ठीक है, प्लस 40, ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसमें से 45 50 50 100 100 140 आ गया। अब इसमें से घटेगा, ठीक है, ए और बी पढ़ते हैं कितना, 30, तो ये घट जाएगा, 15 लोग बी और सी पढ़ते हैं, ठीक है, और ये 25 घट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना, 30 40 45 45 50 70, 70 घट गया तो कितना बचा, 70 बचा, 70 में से आखिरी में ये जुड़ जाएगा 10, ठीक है, कितना आ गया, 80। अब देखो स्वाभाविक बात है, ये तो है कुछ ना कुछ पढ़ने वाले, अब 100 में से जब 80 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 20। तो एक तो ये तरीका है, फॉर्मूला भी लग रहा था, नहीं पर मैं वो तरीका बताता हूँ, उसमें कुछ गलती ऐसे कैसे गलती हो सकती, कुछ ना कुछ तो मामला हो रहा है, रुक जाए कहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, फट से फॉर्मूले से भी याद आता है, मैंने दोनों फार्मूला बताए थे उस दिन। ये पेन पेन कैसे अटक गया रे, ये मामला कैसे खराब हुआ, ठीक है। तो दोनों तरीका मैं सिखा देता हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, 31। देखो मैं चाहता हूँ, देखो हर मेथड आपके पास रहेगा ना तो वो ज़्यादा बढ़िया, तो मेरा ये माना है। हाँ बोलो। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो 30% लोग ए बी पढ़ते हैं, 15% लोग बी सी पढ़ते हैं, 25% लोग ए सी पढ़ते हैं और 10% लोग तीनों पढ़ते हैं, इन सभी को आप जोड़ दीजिए और 100 में से 80 घटा दीजिए, टोटल को जोड़ेंगे तो 100 80 आएगा। वो तो मैंने कर दिया, पर मैं वो वेन डायग्राम से बताना चाहता हूँ ना, वो वेन डायग्राम से हो रहा है। सुनो इधर देखो, अरे मैं को कंडीशन बोल रहा हूँ, रुक जाओ अभी मैं देखता हूँ, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट। तो जो वो पी क्यू आर एस टी वाला एक मेथड है, उसमें है ना तीनों को जोड़ के, बस उसमें से जो डबल आता है ना उसको घटाते हैं बस, रुक जाओ एक मिनट, बस तीन केस वाला। ऐसे तो फॉर्मूले से भी हो रहा, पर मैं चाहता हूँ नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये है वो, मैं बता रहा कुछ ना कुछ तो गलती हो रही थी उसमें, ठीक है। चलो सुनो इधर देखो, ये देखो, ये मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, गलत तो वही तो मैं सोच रहा था, मैं कुछ गलत ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ यही अप्लाई करना, मैं तो एग्जाम में गलती करोगे फिर, वैसे फॉर्मूला से हो जाता है, पर आगे यूपीएससी में क्वेश्चन जिस तरीके से घुमा रहा है उसमें ये चीज़ सीखनी जरूरी है। तो ये ना पी क्यू आर ये होगा, ये मैंने गलती कर दी, ठीक है, और एक्स वाई जेड
और ये मान के चलो कि ये मान लो एस मान लिया, ए मान लो उसको। एस मान लो, ये टी हो गया, ध्यान समझना ठीक है। अब देखो इसका जो योग होगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एस, ठीक है। तो ये जो योग होगा ना, समझना ठीक है, ये टोटल सारों का योग आ जाएगा जो कुछ ना कुछ भाषा जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो देखो 45 55 नहीं 45 नहीं आएगा, 45 तो बाहर दिया है, ये 45 तो परसेंटेज बाहर है, ध्यान समझना है, पी का मान नहीं है ये, ठीक है। और ये है 55, ठीक है, और ये है अपने पास 40%। तो अपने वो एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया था उस टाइम, तो वैसे तो जैसे देखो ध्यान से देखना, वो एक्स प्लस एस बराबर वो मैंने जो निकाला तो उसी तरीके से आ जाएगा। देखो ए और बी पढ़ते हैं 30%, ठीक है। फिर आगे देखो वाई प्लस एस बराबर ये वाई प्लस एस, वाई प्लस मतलब अरे ए बी सी मान लिए, तो ए और सी पढ़ने वाले, ए और सी पढ़ने वाले कितने हैं, 10% है ना, कितना 10%, नहीं 10% तीनों, ए और सी 25% है ना, तो ये 25, ए और सी 15 है। अरे नहीं ये ए और सी पढ़ते 25 है, ठीक है। तो उसके बाद में ये वाला बी वाला, बी और सी पढ़ने वाले जो है मतलब जेड प्लस एस, तो बी और सी पढ़ने वाले कितने हैं, 15% है, ठीक है। तो इसका मान है 10% है, तो एक्स का मान देखो ध्यान से देखो, एक्स बराबर आ जाएगा 20, ठीक है, वाई बराबर आ जाएगा 15 और जेड बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अभी से याद रखना, अब यहाँ पे फटाफट से ये मान रखोगे तो अभी पी का वैल्यू आएगा, तो उस टाइम मैंने बताया था जैसे पी का वैल्यू आ गया था 0, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स बराबर रखोगे आप 20, ये और एस बराबर ये 10 है, 30, 30 और 5 ये कितना हो गया, वाई का वैल्यू कितना है 15, तो 40, तो और ये इधर 45, गलती हो रहा है क्या, नहीं, कुछ तो मामला गड़बड़ हो रहा है सर, वाई 25 है ना। हाँ नहीं, वाई देखो ये वाई 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 जो आएगा 15 आएगा, 15 10 ये कितना 25, 25 और एक्स कितना हो गया, हाँ 45 हुआ ना, तभी मैं देखो 0, ठीक है। अब देखो इधर इसको देखो, ये कितना है एक्स 20, ये 30, जेड का मान कितना होगा 35, 35 में से ये क्यूब बैठाओगे तो 20 आएगा, ये गलत अपन उस टाइम यही गलती हो रही थी, यहाँ पे अपन 15 ले रहे थे, मैं तभी देखो गलती कैसे हो रही है उस मेथड से। देखो ये जो छोटे अभी 15 10 25 25 जेड 30 30, तो इसमें से घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा 10, बस अब ये जोड़ लो फटाफट से। अब देखो ये जो आ जाएगा पी प्लस क्यू पर आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, अब देखो रखो पी का मान कितना आया 0, क्यू का मान कितना आया 20, ठीक है, आर का मान कितना आया 10, एक्स वाई जेड का वैल्यू रखो 20 प्लस 15 प्लस 5 और ये 10, अब जोड़ो 15 15 30 30 50 50 60 60 80, ये है कुछ ना कुछ भाषा जानने वाले, मतलब ये पूरा एरिया का मान आ गया, तो 27 बार 100 में से 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये चीज़ यार गलती अपना यहाँ हो रहा था हल्का, तो मैं तभी देखूँ गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। ये मेथड अपनाना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एवरी ग्रीन मेथड है, ठीक है। अब आगे देखो, देखो ध्यान से देखना, भिंडी जो है बंद गोभी से अधिक, अब ये आपको पसंद है वो नहीं मैटर करेगा, ठीक है, जो दी है वो एग्जाम में याद रखना, ठीक है, भिंडी और बंद गोभी, ठीक है। फूल गोभी जो है, देखो मैंने क्या बोला था, जब भी इस टाइप का जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो पकड़ो, भिंडी और बंद गोभी कहाँ बात करें, यहाँ बात करें, फूल गोभी जो है भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है, तो ये पता लग गया फूल गोभी इससे स्वादिष्ट है, ठीक है। आगे देखो, बंद गोभी जो है मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती। अब इसके बारे में ध्यान से देखो, ये अलग चीज़ है, अब ये इनमें कहीं पे भी नहीं लग रहा, तो मटर जो है मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती, तो मटर से ज़्यादा स्वादिष्ट कौन है, मतलब बंद गोभी से ज़्यादा स्वादिष्ट है ये है ना। अब इनके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, तो ये दो केस बन गए, केस वन केस टू। अब अपने को इनको ये पता नहीं, मटर जो है भिंडी से ज़्यादा स्वादिष्ट है, फूल गोभी से स्वादिष्ट है नहीं है, इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मटर उतनी स्वादिष्ट होती है जितनी भिंडी नहीं है, ये नहीं बता सकते अपन, क्योंकि अपने को ये रिलेशन, ये कंक्लूजन अलग है, ये कंक्लूजन अलग है, कोई भी इन दोनों के मटर के बारे में यहाँ पे कुछ भी बात नहीं बोल रहा, ठीक है। आगे देखो, मटर उतनी स्वादिष्ट होती है जितनी फूल गोभी और भिंडी, ये कुछ भी नहीं बोल सकते अपन। इन चारों सब्जियों में बंद गोभी सबसे कम स्वादिष्ट होती है, ये कुछ ही नहीं पता अभी, ये कोई जरूरी शैली है, ये कन्फर्म नहीं बोल सकते, मैं फिर बता रहा हूँ 100% नहीं बोल सकते, सबसे कम स्वादिष्ट होती है। अपने पास इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ पूछता फूल गोभी ये सब बता सकते हैं, फूल गोभी जो है बंद गोभी से अधिक स्वादिष्ट होती है, हाँ ये बात तो सही है, देखो पहले वाले से निकल रही है साफ, तो डी आंसर। तो ये चीज़ याद रखना,
ठीक है, ये चीज यार ना मटर का इसके बीच में कोई कंक्लूजन नहीं दिया, इस कारण से अपन कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख। अब ये देखो, ये मैंने उस दिन बोला नॉर्थ साउथ वाला बना लो। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते, ध्यान से देखना। मान लो कि ये एक स्थान था, यहाँ से शाहिद ऐसे चिल्ला, ठीक है, और रोहित ऐसे चिल्ला, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद ध्यान देखना, प्रत्येक एक किलोमीटर, दोनों एक किलोमीटर वो चले गए, ठीक है। शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, शाहिद ये देखो, शाहिद हमेशा बाएं, हमेशा अपने आप को यहाँ रखो। तो ये देखो, ये भी राइट हो जाएगा, हमेशा एक डॉट लाइन खींच लिया करो। अब डॉट लाइन के ये तो समझ लेते, ये राइट है, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट घूमता है वो, हमेशा लेफ्ट घूमता है, ठीक है। और रोहित हमेशा दाएं घूमता, अब देखो रोहित को यहाँ पे है, तो समझते रोहित का दाएं किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, ध्यान से समझ रहे, मुड़ता है। अब ये दोनों मुड़ गए, निम्न में कौन सा कथन सही है। अब देखो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, अब देखो एक एक ऑप्शन देखते जाओ। उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद जो है दूरी 4 किलोमीटर। अब देखो ये मान लो कि 2 किलोमीटर चल लिया, ये 2 किलोमीटर चल लिया, अब इनके बीच के बीच में दूरी तो 2 ही किलोमीटर है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। रुको 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 रुको, एक मिनट। अब देखो ये थोड़ा ध्यान रखना बस, ये चीज़ हो छोटी छोटी। देखो ये ऐसे गया, ये 1 किलोमीटर चला, ये शायद गया, ठीक है, उसके बाद में ये जो है रोहित है, ये 1 किलोमीटर चला, ध्यान से समझना। शायद रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते, मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ा, और क्वेश्चन यूपीएससी यही चाहता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शायद हमेशा बाई मुड़ता, तो याद रखना प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद उसको घूमना है, ये प्रत्येक मतलब आगे कंडीशन सब पे लागू होगा। 1 किलोमीटर के बाद शायद हमेशा बाई मुड़ता है और रोहित हमेशा दाई मुड़ता है प्रत्येक 1 किलोमीटर पे, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, यही मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने में, अब देखो ध्यान देखना, पहली बात तो जो शायद है हमेशा बाई मुड़ता है, ठीक है, तो बाई देखो इसका बाई इधर हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर चला, फिर देखो इसका बाया किधर हो जाएगा, ये इधर दाया हो जाएगा, इधर बाया, तो ये यहाँ पे आ गया, ध्यान समझना। तो 1 किलोमीटर चल लिया ये, मतलब 2 किलोमीटर चल लिया। तो रोहित भी क्या करेगा, सबसे पहले हमेशा दाए, तो ये दाया गया, ठीक है, अब इसका दाया किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। अभी देखो दोनों एक जगह पॉइंट मिल गए, अभी पूछ रहा है 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी उनके बीच में दूरी 4 किलोमीटर है, गलत, ये तो 0 हो जाएगी, ठीक। अब आगे देखो, वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, प्रत्येक जो है 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। हाँ देखो 1 2 3, ये बात तो सही है, 1 2 3, हाँ ये बात तो सही है, तीनों 1 1 किलोमीटर चलने के बाद ही मिलते हैं, ठीक है। आगे और ऑप्शन देखते हैं, वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं, अरे नहीं उल्टा, 4 बार देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ आ गया, अब यहाँ पे साइज जो है हमेशा किधर जाएगा, लेफ्ट, तो वो तो यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। और रोहित है जो हमेशा उसमें जाएगा, पहली बार नहीं, यहाँ दूसरी बार मिल रहे हैं, तो ये गलत है, पहली बार नहीं दूसरी बार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे फिर से रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, कि दूसरी बार मिल रहे हैं तो रोहित सहित दोनों वापस यहाँ आ जाएंगे। फिर कभी कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं, ऐसे क्या बात करो, यहाँ मिल लिया, यहाँ मिल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, आगे रिपीट होने लायक क्वेश्चन है ये। अब आगे देखो, 500 मीटर की दौड़ में बी जो है ऐसे 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए है और बी है, ठीक है, 500 मीटर की वो दौड़ है जिसमें बी जो है ऐसे 45 मीटर आगे दौड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है ए जो है 500 मीटर दौड़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक 45 मीटर आगे है, तो स्वाभाविक सी बात है ये टोटल कितना दौड़ेगा, ये दौड़ेगा उसमें घटा दो तो 455 ही दौड़ेगा, ठीक है, पहले क्योंकि वो आगे से मूव ऑन कर रहा तो स्वाभाविक बात इतना ही दौड़ेगा। आगे देखो, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, मतलब ए ने दौड़ कंप्लीट कर ली, 500 मीटर दौड़ गया, जबकि जो बी है अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। अब ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी भी 35 मीटर है, 455 दौड़ना था इसको, अभी 35, तो इसमें से 35 घटा दो, कितना बचा, 5 में 0, 5 में 3 गया तो 2, 420 ही दौड़ा है अभी भी, यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही चाल और बी की चाल में अनुपात, मैंने कितनी बार बोला, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, तो हमेशा याद रखना चाल का अनुपात पूछ रहा, समय एक समान दिया है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, तो दूरी का ही अनुपात निकाल लो, डायरेक्ट उसी का अनुपात आ जाएगा, काटो, ये गया 25, ये आ गया 21, आंसर 25 21, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से रखना मैंने कैसे किया है वो चीज़, ध्यान समझना। अब 2015 अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ।
अरे ऐसा नहीं है, 2011 से 14 से करते आ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कोई अलग क्वेश्चन है। अब देखो एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास, अब मैंने ध्यान समझना, जब भी ठीक है ये तो अपने छठी क्लास में सीखे भी है दशमलव जोड़ वाला, एक तो चाहो तो वो तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है 1/3 1/4, तो 12 ले लो ठीक है। तो देखो एक मेथड तो है मैं इस तरीके से करा सकता हूँ, पर मेरा माना चीज़ों को ईजी करो, दशमलव में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो जैसे मान लो कोई भी चीज़ मैंने 12 ले लिया, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 12 का 1/3 हो जाएगा 4, और 1/4 जो हो जाएगा 3, ठीक है ध्यान समझना। एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास ले लिए मैंने, ले लिए 12 लीटर वाले गिलास, ध्यान से समझना, 1/3 और 1/4 दूध से भरे हुए हैं। अब ध्यान से देखना, ये 12 लीटर का मैंने पहला गिलास लिया तो ये 1/3 मैंने निकाला, तो ये 4 लीटर दूध से भरा है, 4 दूध से भरा, 4 मिल्क तो 8 वाटर से भरा है ठीक है। अगला देखो, दूसरा भी एक 12 लीटर का लिया मैंने, ये जो 3 लीटर तो मिल्क से भरा है और 9 लीटर जो है स्वाभाविक सी बात है किससे भरा है, पानी से भरा है वाटर। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया है और गिलासों में भरे हुए द्रव मिश्रण को एक पात्र में डाल दिया जाता है, तो इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है, बहुत ही है। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मिलाओगे तो ये मिल्क मिल्क है, टोटल तो 24 हो जाएगा, पर देखो मिल्क मिल्क को मिलाओगे कितना हो जाएगा, 7 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 आ गया रेशियो 7 और 17, बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है। एक मेथड तो ये है जिसमें आप एक अच्छा सा एक रेशियो लेके वो कर सकते, तो मेरा माना इसे करना, पर चलो ठीक है अपन मान लो कि मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ कि आपको चलो ठीक है दशमलव का वैसे नहीं है ठीक है नॉलेज, ठीक कोई बात नहीं ध्यान से समझो। ये गिलास है 1/3 बोल रहा है कि मिल्क से भरा है, तो स्वाभाविक सी बात है जब ये शेष भाग निकालते हैं तो एक में से 1/3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2/3, तो ये आ जाएगा वाटर, ये आ जाएगा 2/3 वाटर, पहला गिलास गिलास वन ठीक है। तो ये स्थिति आ गई। गिलास टू, गिलास टू में 1/4 ये भरा है मिल्क से ठीक है। अब देखो एक में से 1/4 घटा दो, 4 × 4 = 3/4, तो ये 3/4 आ जाएगा वाटर ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब बोला कि इन दोनों को मिला दो एक जगह और इनका रेशियो बताओ, तो जोड़ दो फटाफट से, वाटर वाटर जोड़ दो, पहले मिल्क का पात में दूध और पानी का अनुपात, जिस अनुपात में पूछा तो दूध दूध को जोड़ दो, 1/3 और 1/4, 1/3 + 1/4 अनुपात, पानी का अनुपात, एक पानी जोड़ो 2/3 + 3/4 ठीक है। अब अनुपात फट से देखो, 3 और 4 को करोगे ठीक है, तो 12 एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 में 3 का भाग दो 4 ठीक है, 4 में 3 का भाग 12 में बोगे तो कितना आएगा 3 ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ 12 आ जाएगा, 3 में दोगे तो कितना आएगा 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 4 को इससे करो भाग दोगे 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, अभी 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7:17 चीज़ वही है, चाहो तो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया तुम लोगों को, गलत मत करना मैं फोड़ दूंगा। अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे टेस्ट सीरीज में, फिर होता है इससे छोटे लेवल पे क्वेश्चन होते हैं, अब टेस्टों में 100 से कम नंबर नहीं आने चाहिए, अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब देखो आगे देखो, अब चाहो तो इसको देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दोनों तरीके बता चुका हूँ जिससे चाहो ठीक है। एक परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थियों में से 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, देखो ये फेल होने वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं, अपन फेल होने वाले केस लेके चल रहे हैं, 62 विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो गए ध्यान से समझना, तो 52 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए ठीक है, 52 विद्यार्थी जो है मैथ में अनुत्तीर्ण हो गए ठीक है, जबकि 24 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो ये दोनों में फेल होने वालों को दिया है 24। अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो मैंने फिर बताया था ये वाला केस पूछ रहा है अपने को, तो बस वही सेम चीज़ है। अब देखो 62 में से 24 घटा दो, तो ये वाला मान अपने को आ जाएगा, 62 में से 24 घटाओ कितना आएगा ठीक है, 12 में से 8 ठीक है, 5 में 2 गया तो 38, ये वाला आ गया 38 ध्यान समझना, 52 में से 24 घटाओ, 52 में से 24 घटाओ, 12 में 4 8 ठीक है, इधर 4, 4 में 2 28 जोड़ दो, टोटल 38 ठीक है, 28 प्लस 24 ठीक है, देखो 8 8 16 16 4 20, 2 2 3 5 2 7 9 90, तो सब बाईस बात है, ये तो 90 फेल होने वाले के आ गए, ये टोटल फेल होने वाले, ये सब फेल होने वाले, तो 90 फेल होने वाले, तो 130 विद्यार्थी में से 90 फेल हो गए, तो पास कितने हुए 40 आंसर ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, गलत मत करना ये क्वेश्चन। अब अगला देखो, देख रहे हो वेन डायग्राम क्वेश्चन क्वेश्चन का, ये भी अगला भी वेन डायग्राम का ही है, चाहो तो फॉर्मूले से भी फट से हो जाएगा, पर मैंने चाहता हूँ कि इस तरीके से सीखो, क्योंकि यूपीसी फॉर्मूला बेस नहीं पूछती है, है तो ये तो सारे है ना फॉर्मूला बेस बन जाएगा, मैं चाहूँ तो ये फट से करवा दूँ, पर नहीं ये इस तरीके से सीखो। किसी बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, ध्यान से समझना, ये तमिल बोलने वाले हो गए, ये हिंदी बोलने वाले हो गए, और ये गुजराती बोलने वाले हो गए ठीक है। 6 व्यक्तियों के समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, ये 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं ठीक है, और 6 व्यक्ति गुजराती बोल सकते हैं ठीक है, ध्यान से ओके।
उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता यदि समूह के दो व्यक्ति केवल दो भाषा ही बोल सकते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति सभी तीन भाषाएं बोल सकता है, तब इस समूह में कुल कितने व्यक्ति, ध्यान से समझ रहे हैं। इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो है दो है, और जो यहाँ पे मतलब पी क्यू कुछ भी लेते हैं अपन, s जो है वो अपने को एक दिया है, बस सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अपने को ये दिया है और s का वैल्यू अपने को एक दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ये मान लो कि ये एक है, देखो उस समय कोई व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता यदि समूह के दो व्यक्ति केवल दो भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति सभी तीन भाषाएं बोल सकता है, तो अब इस समूह में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, इनके मतलब ये अगर अपन ये निकाल लेंगे तीन, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा उसके बारे में पूछ रहा है कि ये कितने हैं, ठीक है, कोई नहीं, पूरा ही गायब होता है, ध्यान से समझना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तो ये आएंगे, ये अच्छे से सीख लो, ठीक है। उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, ठीक है, जो भी समूह है उसमें से कोई भी जो है अन्य भाषा नहीं बोल सकता यदि इस समूह के दो व्यक्ति केवल दो भाषाएँ बोल सकते हैं। दो ही व्यक्ति है जो केवल दो भाषाएँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो भी कोई व्यक्ति होगा वो दो भाषाएं बोल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो दो है, ठीक है, पर एक व्यक्ति जो सभी, मान लो कि ये जो s है ये एक है, ठीक है, ये एक है, ठीक है, ये मान लो कि दो ले लिया अपन ने, ठीक है। इस केस में मान लो कि दोनों भाषाएं दो बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये तीन हो गया, तो तीन हो गया, ठीक है। अब इस केस में देखो दो जो है कोई भाषा बोलने वाला है, इस दोनों केस में ले रहे हैं, ठीक है, एक या तीनों, तो ये कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, ओनली जो हिंदी बोलने वाले संख्या है, ठीक है, तो ये ओनली है तमिल बोलने वालों की संख्या, ठीक है। इधर देखो अब ये वाला जो केस बनेगा इसमें देखो, अब ये एक ही केस लेना है अपने को जिसमें कोई दो भाषा बोल सकता है, ठीक है। अब इधर नहीं लेंगे, इधर ये जीरो लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू नहीं होगा, ये किसी भी दो भाषा का लेंगे, ठीक है, तो इसमें से कटाओगे पाँच आ जाएगा, तो देखो तीन पाँच आठ, आठ बारह बीस, ठीक है, ये है तमिल बोलने वाले, ठीक है, ये है ओनली हिंदी बोलने वाला, ठीक है, और ये है ओनली गुजराती बोलने वाले, ठीक है। अब इसके अलावा दो व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल दो भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है, बीस दो कितना होगा, बाईस, और एक हो गया जो तीनों भाषा बोलता है, तो ठीक है तेईस आंसर। समझ में आया? नहीं आया सर, वापस रिपीट करिए। रुको एक मिनट, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ ध्यान से, बस इसकी लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ने वाली है बस। देखो ये तो तीनों फट से बना लेना, ठीक है, इसमें तो कुछ ही नहीं भाई, छह व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, छह व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, पूरे की बात कर रहा है, ध्यान से समझ लेना, पंद्रह व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, पंद्रह व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, पंद्रह व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, और छह व्यक्ति गुजराती बोल सकते हैं, छह व्यक्ति है जो गुजराती बोल सकते हैं। अब देखो अगली जो मेन जो लाइन है यही है सबसे मेन, उस समूह में ये जो भी समूह है, ध्यान से समझ, ये जो भी समूह है कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। अब ऐसा नहीं कि सारे सारे छह तमिल हो हिंदी बोल रहे हैं, सारे सारे नहीं बोल सकते, ठीक है, कोई भी भाषा अन्य नहीं बोलता, ठीक है। यदि समूह के दो व्यक्ति केवल दो भाषाएं बोलते हैं, केवल दो भाषाएं बोलते हैं, दो ही व्यक्ति है, तो ये ले लिया अपने जो जो तमिल, कुछ भी ले सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गुजराती आप ले लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। अभी चलो मैंने वो लेके कराया था, मैं इसको लेके कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि गुजराती और हिंदी बोलने वाले दो व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं, ऐसे दो ही व्यक्ति है बस, ठीक है। एक व्यक्ति सभी तीन भाषाएं बोल सकता है, तो ये वाला जो है एक व्यक्ति ये आ जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी एक, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, और ये सब है जीरो जीरो लेना पड़ेगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है। अभी देखो ये है, अब मान लो मुझे ओनली चाहिए गुजराती बोलने वाले, ओनली गुजराती बोलने वाले, देखो दो और ये घटाना पड़ेगा तीन, तीन घटा दो कितना बचेगा यहाँ पे तीन, ठीक। आगे देखो ओनली मुझे हिंदी बोलने वाले चाहिए, तो ये तीन घटाना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा बारह, ठीक है। देखो ये पार्ट घटाना पड़ेगा आपको ओनली हिंदी के लिए। अभी देखो इधर जो है आपको ओनली तमिल चाहिए, तमिल, अब देखो ये जीरो है, ये जीरो, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे बचेगा पाँच, अब जोड़ो बारह तीन पंद्रह, पंद्रह और पाँच बीस, ये तो हो गया जो ओनली एक एक भाषा बोलते हैं। अब ये खुद ही बोला कि दो व्यक्ति केवल दो भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है जो तीनों भाषाएं बोलते हैं, तो टोटल कितने हो गए,
23% हो गए, ठीक है। अरे समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ले लो, वो कहीं पे केस ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस पर वो चीज़ याद रखना, उसकी लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, उसने ये एक लाइन दी है, उस समूह का कोई व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोलता, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो ये वाली जो है ना, ये व्यक्ति जो 5 हो गया, 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये व्यक्ति कोई भाषा नहीं बोलता है, बस वही बता दिया ना। ये देखो अपन वही तो निकाल रहे हैं, तभी तो निकाल। ये जो 20 व्यक्ति है वो कोई भी भाषा नहीं बोलते अपनी अपनी भाषा के अलावा, पर ये बोल दिया कि 2 व्यक्ति है जो 2 भाषाएं जानते हैं और 1 व्यक्ति जो 3 भाषा जानता है। बस ये अपन निकाल दिए, केवल वाला केवल 1, ये केवल 2, ये केवल 3, तो बस वही आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों, 4 पहिया वाहनों और स्कूटर मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहनों के पहियों की कुल संख्या पार्क में किए गए वाहनों की संख्या से 2 गुने से ज़्यादा है, तो ध्यान से देखना। 4 कार के कितने होते हैं टायर? 4। स्कूटर के कितने होते हैं? 2 टायर, ठीक है। ध्यान से समझना। अब मैंने ले लिया कार प्लस स्कूटर, ठीक है। स्कूटर को मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक, ध्यान से सुनना। अभी ध्यान से ये क्या दिया, यहाँ जा पार्क किए गए वाहनों की संख्या, ये है वाहनों की संख्या, कार प्लस की संख्या, जो पहियों की कुल संख्या, जो पहियों की देखो कुल संख्या ये आएगी, ठीक है, जो 4 कार के हैं 2 टायर के उसके हैं स्कूटर, पार्क किए गए वाहनों की संख्या के 2 गुने से 100 ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है ना, तो मैंने क्या बोला, जब भी है तो इसको 2 गुना करो प्लस इसे इधर जोड़ो, तो ये दोनों के बराबर इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो पार्क की गई कारों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे किसका मान निकालना अपने को, ठीक है, कारों की संख्या मान निकालना, ध्यान देखो। तो यहाँ पे देखो 4c + 2t हो जाएगा, इसको 2c + 2t प्लस ये 100, ध्यान देखो 2t से 2t कट गया, 2c से 2c बराबर 2c बराबर 100, c बराबर 50, आ गया फट से आंसर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं फिर बताऊँ, गलती मत करना, बस ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने बताया जो ज़्यादा है उसको मत करना है गुणा इधर, जो कम है उसको बराबर करने के लिए उधर करना पड़ेगा, बस ये चीज़ याद रखना, यही इसमें समझने वाली बात है, कुछ ही नहीं। और फिर बता रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यहीं से रिपीट होंगे क्वेश्चन। अब इधर आ जाओ 48, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे खासे। अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है पेपर का, अच्छे क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी के आने शुरू हो गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आने शुरू हो गया। अभी यहाँ पे देखो एक और दो क्वेश्चन डाल रहा है, 2023 में 10 क्वेश्चन डाल रहा है, तो ये चीज़ समझने वाली है, अपन ध्यान से देखना। प्रधानाचार्य के एक पद और उप प्रधानाचार्य के 2 पदों के लिए चयन होना, ध्यान से समझना। एक प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है और 2 वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है, बस सिंपल से समझो। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए 6 उम्मीदवारों में से केवल 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के पत्र के लिए पात्र है, ध्यान देखना। टोटल 6 पर्सन है जिसमें से 2 जो है ना, 2 ध्यान से समझना, मतलब मैं बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी करवा दूंगा, मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है, ध्यान समझना। 2 जो व्यक्ति है, 2 ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल के लिए चुने जाएंगे 6 में से। अब तो स्वाभाविक सी बात है, 4 जो है, 4 जो व्यक्ति है वो इसके लिए इसमें से चुने जाएंगे, अरे ये 2 में से चुने जाएंगे। 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के लिए पद के लिए पात्र है, जबकि उप प्रधानाचार्य पद के लिए भी सभी उम्मीदवार पात्र है। तो मतलब ये तो 6 के 6 है, ठीक है, ये तो 6 के 6 है, पर ये ओनली 2 ही, पर टोटल व्यक्ति है 6, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चुने जाने वाले उम्मीदवारों के सभी संभव संयोजनों की संख्या क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, संयोजन बनाने का तरीका ध्यान से देखना। अब देखो एक तरीका तो उसे फॉर्मूला सीख लिया, अब देखो सुनो, 6 व्यक्ति है, अब ध्यान से देखो, इन 2 में से एक चुन गया, ठीक है, एक चुन गया। अब स्वाभाविक सी बात है, एक चुन गया। एक तरीका तो ये है, अब देखो 2 तरीके बन जाएंगे ना यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये बी ले लिया, मान लो ध्यान से समझना, ए बी सी डी ई एफ ले लिया मैंने, 3 6 ले लिए, ठीक है। ये ए बी है जो प्रिंसिपल के लिए है, एक बार ये केस हो सकता है कि ए चुन जाए, एक बार हो सकता है बी, यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो ये तो आ जाएगा 2 ही, ठीक है, ध्यान से समझना कि 2 ही स्वाभाविक सी बात है। तो चाहो तो ये भी कर सकते हो, 2c1, तो 2c1 करोगे तो 2 ही आता है, कि देखो 2 में से चुनना है एक को, तो स्वाभाविक सी बात है 2, हाँ यही सीख लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सुनो रुको, मैं यही सिखा देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करोगे, ध्यान देखना। प्रिंसिपल का पद है 1, ठीक है, और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है 2, ठीक है, 6 लोग हैं, पर इसमें से 2 ही लोग हैं जो प्रिंसिपल के लिए अवेलेबल है, इधर ये 6 के 6 अवेलेबल है, ध्यान से समझना। अभी देखो 2 में से एक प्रिंसिपल चुना जाएगा, तो 2 2c1, ठीक है। अब अगला देखो, अब स्वाभाविक बात है इन दोनों में से एक व्यक्ति तो चुन ही लिया जाएगा, अब बचेंगे यहाँ पे कितने, 5 * गुणा होगा, याद रखना, 5
पांच गुणा क्यों होता है ध्यान से समझना, कभी हो सकता है ए बी हो, सी डी हो, ई एफ हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो इसलिए गुणा होता है। पांच में से अपने को चुनना कितना वाइस प्रिंसिपल के लिए, दो, फाइव सी टू। अब देखो ये फॉर्मूला देख लो, एन सी आर का फॉर्मूला होता है नाइन एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, ठीक है, आर फैक्टोरियल और आर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसको खोलो, इसको खोलोगे तो टू, दो का फैक्टोरियल दो ही होता है, दो को करोगे तो दो में से एक घटाओगे तो एक, या एक का फैक्टोरियल एक, तो ये तो एक ही आएगा, इंटू पाँच, पाँच का फैक्टोरियल पाँच, फोर इंटू तीन इंटू दो इंटू वन, ऐसे खोलते हैं चाहो तो, नहीं तो कट भी जाता है वो तो। अब देखो दो का ये दो जो आर फैक्टोरियल है, मतलब दो का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल खोलोगे तो दो इंटू वन, अब देखो पाँच में से दो घटाओगे तीन, तो थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये दो से कट गया दो, पाँच दो ना दस, दस दो ना बीस, ठीक है, तो आंसर डी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ जो अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेवल आ रहा है वो इसी लेवल का आ रहा है, तो ये सीख लो बस, ये चीज़ याद रखना। गुणा मैं क्यों किया ध्यान से समझो, अब मैं सिखा देता हूँ एक ये चीज़, गुणा क्यों किया, क्योंकि देखो ए बी सी डी ई एफ ये है छः व्यक्ति, अब मान लो मैंने प्रिंसिपल के लिए दो व्यक्ति, अभी अपने को कन्फर्म नहीं बोला ना कौन से दो व्यक्ति, मान लो ए बी भी हो सकते हैं, फिर बाद में हो सकता है बी सी, वो ये सी डी भी हो जाए, ई एफ भी हो जाए, हो सकता है बी सी भी हो जाए, तो इसीलिए गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी इधर उधर चेंज होने की रहेगी। और फिर आखिर में जब एक सेलेक्ट हो जाएगा इधर, तो सभी बातें पांच ही व्यक्ति बनेंगे, तो पांच व्यक्तियों के लिए चुनने के लिए पांच में से दो, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। बहुत ईजी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसा भी नहीं है बहुत टफ है, पर याद रखना सीखना जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ दस दस क्वेश्चन आए थे अब की बार, और आगे और बढ़ेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखो। आगे देखो ये भी देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, अगला वाला भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। अरे देखो आपकी बार भी यही सेम क्वेश्चन आया था 2023 में, यही सेम क्वेश्चन, अगर पढ़ोगे तो ऑर्डर वैसे, ठीक है। अब देखो एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम के लिए पांच विषयों पर नामत वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिक गणित वन और टू में से, देखो यही सेम क्वेश्चन 2023 में आया था, मैं बता रहा हूँ, देखो सेम पैटर्न है क्वेश्चनों का, अगर आप एक बार कर लोगे ना इन क्वेश्चनों को तो बना लोगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। देखो ध्यान देखना, एक विद्यार्थी के पाठ्यक्रम के लिए पाँच विषय है, सब्जेक्ट है उसके पाँच सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स है उसके पास, इकोनॉमिक्स है, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, मैथ वन है और मैथ टू है, ये पांच विषय है, पांच में से दो चुनना है, तो याद रख लो पांच में से दो चुनने का क्या होता है फाइव सी टू, ठीक है तरीका, पर आगे इसने कंडीशन दिया है, अगर डायरेक्ट यही पूछा तो डायरेक्ट आंसर इससे आ जाता, ठीक है, चुनना हमेशा याद रखना कि सी आएगा, और जब है ना व्यवस्थित करना होता है तो पी आता है, ये चीज़ याद रखना, परम्यूटेशन आता है, अब जब चुनना होता है जब कॉम्बिनेशन आता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब उसके पास पांच विषय है जिसमें से उसको चुनना दो, पर आगे कुछ कंडीशन दिया है, गणित टू केवल तभी चुना जा सकता है जब गणित वन चुना गया हो, ठीक है, पांच में से दो चुनना है, मतलब देखो एक कंडीशन तो ऑटोमेटिक, जब उसने मान लो गणित चुन लिया तो ऑटोमेटिक उसको गणित वन चुना तो उसको गणित टू चुनना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। अब देखो आगे देखो, तो दो विषय को चुने जा सकने वाले संभव संयोजनों की संख्या क्या, अब देखो ध्यान से समझना, देखो मान लो कि ये पांच वर्ड है, कॉमर्स, इकोनॉमी, स्टैटिक्स, मैथ वन और मैथ टू, ठीक है, अब इसको दो सब्जेक्ट चुनने थे, तो सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहला केस माना इसने मैथ वन ले लिया, तो इसको मैथ टू ऑटोमेटिक लेना ही पड़ेगा, ये बोल दिया कि लेना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, चाहो तो मैं ना कॉम्बिनेशन बना के भी दिखा देता हूँ इसमें, हाँ ज़्यादा लगेंगे नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, एक ही ले लिया, अब मैंने मान लिया केमिस्ट्री, ये जो कॉमर्स है ध्यान समझना, कॉमर्स लिया तो मैं देखो कॉमर्स के साथ क्या क्या ले सकता हूँ, ध्यान देखना, इकोनॉमी भी ले सकता हूँ, एक केस ये बन जाएगा, कॉमर्स के साथ मैं स्टैटिक्स ले सकता हूँ, एक केस ये बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये बन गए दो केस अपने पास, ये बन गए, ठीक है, ठीक, कॉमर्स के साथ जब मैं कॉमर्स लूँगा तो मैथ वन भी आ जाएगा, ठीक है, और कॉमर्स पर याद रखना जब मैथ वन चुनेगा तो मैथ टू चुनना पड़ेगा, कॉमर्स के साथ मैथ टू भी आ सकता है। अब आगे देखो, ये जो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ तो ये केस, अब ये उल्टा मत लेना, आगे लेना, इकोनॉमिक के साथ स्टैटिक्स आ सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ मैथ वन आ सकता है, इकोनॉमिक्स के साथ मैथ टू आ सकता है, ठीक है, ओके आगे देखते हैं हम। अब देखो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के साथ मैथ वन आ सकता है, ठीक है, और स्टैटिक्स के साथ मैथ टू आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है केसों की, जो जितने केस बन सकते हैं, मैथ वन मैथ टू का ये केस बन ही चुका था ऑलरेडी, ठीक है, तो देखो टोटल केस कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, टोटल ऐसे दस केस हो रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना,
पर इसके जो एक कंडीशन है इसके कारण जो है केस कम हो रहे हैं, वो कौन सा केस है? ये गणित टू केवल तभी चुना जा सकता जब गणित वन चुना गया। तो देखो जो जो जहाँ पे गणित टू चुन रहे हैं उसको काट दो, एक ये गया ठीक है, और कहाँ चुना अपने, एक यहाँ पे मैं टू चुना ठीक है, और एक यहाँ पे चुना, तो तीन घटा दो आंसर आ गया सात। दस आए थे, दस में से तीन घटा दोगे तो सात आंसर आ गया। ये है एकदम नॉर्मल तरीका, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और देखो बड़े नंबर आते हैं तो फॉर्मूला भी सीख लेना चाहिए, तो वो देखो मेथड। तो ये बोले जब गणित टू केवल तभी चुना जा सकता जब गणित वन चुना गया, ठीक है। तो एक सबाइक बात है, एक केस तो ये बन गया सबाइक बात है, डायरेक्ट सीधा सीधा। अब अपने पास सोचो सबाइक बात है, जब एक सब चुन लिया तो देखो चार में से अपने को चार ही सब्जेक्ट बचेंगे। जब गणित टू के कंडीशन दे दे तो गणित टू हटा देंगे, आपका अपने पास कॉमर्स बचेगा, इकोनॉमिक्स बचेगा, स्टेटिक्स बचेगा और मैथ वन बचेगा। आप चाहो तो सिंपल वो तरीका भी अपना सकते हो, नहीं तो देखो डायरेक्ट अपनाओ। चार में से चुनना है दो बस, सब एक तरीका ये चार फैक्टोरियल। अब देखो चार में से चार इंटू तीन इंटू दो इंटू वन, ठीक है। अभी दो फैक्टोरियल आएगा इंटू, फिर ये चार माइनस टू करोगे उससे दो फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो दो से दो गया ठीक है, इधर दो से दो बार ये गया, दो तीन छः, छः प्लस एक सात आ गया आंसर। चाहो तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से मैंने दोनों तरीके से बता दिए। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर छोटी संख्या दी हो, ध्यान मैं पहले बता रहा हूँ, छोटी संख्या दी हो ना तो मैं जो तरीका बताया था वही से उसी से करना, गलत नहीं होगा कभी। ये तो पता लगा फॉर्मूला भी अपना होगा, तो बड़ी संख्या आता फिर फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को ठीक है। अगला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने पाँच जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे को ऑर्डर किया, ध्यान से समझना। तो मैंने कुछ जोड़े जो भूरे हैं वो मान लिया एक्स ठीक है, पाँच जोड़े काले तो पाँच ब्लैक प्लस कुछ जो है कुछ जोड़े भूरे मुझे ऑर्डर किए हैं ठीक है। अभी कुछ है को पता नहीं। एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से तीन गुनी है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कीमत के अनुसार आइडिया लगाना पड़ेगा, रुक जा। तो क्या पूछ रहा है, मोल ऑर्डर में भूरे मोजे जोड़ों की संख्या क्या थी, जोड़ों की संख्या पूछ रहा है ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तो ये तरीका है अपने पास, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति ने पांच जोड़े काले मोजे ठीक है और कुछ जोड़े भूरे मोजे को ऑर्डर किया ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ो, एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से तीन गुनी थी। मैंने जैसे मान लो काले जोड़े की कीमत मान लिया एक्स है, ध्यान से समझना एक्स है, और भूरे जोड़े की कीमत मान ली मैंने वाई। मैंने बोला इक्वल लगाने के लिए, देखो ध्यान से कौन ज़्यादा है, एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से तीन गुनी थी, तो किसको गुणा करना पड़ेगा भूरे को। तो एक समीकरण अपने पास ये बन गई ठीक है। आगे देखो, बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या की गलती से आपस में बदल दिया और जिसके कारण बिल है 100% बढ़ गया ठीक है। अभी उल्टा कर दिया इन्होंने ठीक है। अब ध्यान से देखो, चलो ठीक है देखते हैं। 100% बढ़ जाता तो सब ऐसी बात है, ध्यान से देखो ये डिफरेंस दिया, जब जब डिफरेंस निकाल देंगे अपन तो वही चीज़ आ गया, मोल ऑर्डर में भूरे मोजों की जोड़ों की संख्या क्या थी ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। एक कंडीशन तो देखो अपने पास ये बनेगी ठीक है, पर उसने गलती से क्या किया कि 3x से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इसके कारण जो डिफरेंस इतना आ गया, 100% का डिफरेंस आ गया। और भूरे मोजे की संख्या को पूछ रहा है, पांच जोड़े काले मोजे ठीक है और कुछ जोड़े भूरे मोजे को ऑर्डर किए। चलो ठीक है, मैं इसको ऑप्शन मेथड से करता हूँ ठीक है, ध्यान से देखना ठीक है। मान लो पांच जोड़े काले मोजे के लिए, पांच जोड़े जो है मैंने काले मोजे के लिए ठीक है, तो एक काले जोड़े की कीमत, अच्छा ठीक है देखो पांच जोड़े मैंने लिए काले के ठीक है, ध्यान से देखना इसकी जो कीमत है उसके कुल जोड़ों की उससे कीमत से ज़्यादा है ठीक है, जो भी है तीन गुना है ठीक है। पांच मान लो कि ब्लैक जोड़े हैं, कुछ जोड़े भूरे मोजे को ऑर्डर किया, तो मान लो कुछ जोड़ों की संख्या मान ली मैंने, मान लो ये जो आंसर आ रहा है ये लेके चलते एक बार, कुछ जोड़े भूरे मोजे को ऑर्डर किए ठीक है, तो 25 जो जोड़ी है अपन ने भूरे की ऑर्डर किए ठीक है। ये तो ये पहली कंडीशन आ गया, एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से तीन गुनी थी ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है ये जो है तीन गुना है ठीक है। तो ये मतलब कि इसका एक रुपये है माना ठीक है, तो ये तीन रुपये है ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 ठीक है, ये पास तो ये टोटल हो गया 80 ठीक है, ध्यान समझना। पर इसने गलती से क्या किया कि इसको जो है मतलब ये वाले जो है इधर कैलकुलेशन में इधर कर दिया, मतलब इसको जैसे ये है
25 तीन से गुणा हुआ था या एक से गुणा हुआ था, इसको उल्टा कर दिया इसने, 5 × 3 कर दिया प्लस जो 25 × 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 × 15 + 25 ये कितना हो गया 40। अब देखो हाँ ये सब ऐसी बात, अब देखो आना चाहिए था 80, नहीं सॉरी आना चाहिए था, रुक जाओ, हाँ 5 × 15 + 25 मतलब इनमें डिफरेंस जो दिया 100% बढ़ गया है। ठीक है, मूल और भुजी मोरों की जोड़ी संख्या कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, 40 रुपये का बिल आया था और 80 रुपये का बढ़ गया है। ठीक है, जोड़ो का, अब देखो 40 मतलब 40 पे बढ़ा है ना 40 रुपये, और 100% निकालोगे तब ये हो गया, 40 40 कट जाओ 100%। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन तरीका था, ऑप्शन सेव किया जा सकता है, पर नहीं मेरा माना कि वो वाला तरीका सीखो, ऑप्शन सेव किया जा सकता है, पर तुम्हें फिर बताओ ऑप्शन इज टाइम टेकिंग ऑप्शन, वो तरीका मत करो। ठीक है, अब देखो सुनो, हाँ ध्यान से देखो, ये एक काले जोड़ी कीमत है ये जोड़, ठीक है, अब देखो ध्यान देखना, जब मैं ले रहा हूँ ब्लैक जोड़ा, ठीक है, तो ब्लैक को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगला उसके जब ज़्यादा वाली बोले तब उसमें करेंगे प्लस एन, मतलब देखो सॉरी भूरा जोड़ा है ना उसको क्या बोलोगे, ब्राउन तो ब्लैक है तो ब्राउन, ठीक है ब्राउन है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। ठीक है, और करना रियलिटी में जो था, रियलिटी में ये था कि जो ब्लैक होता है 1 से गुणा, ठीक है ये वाला, ठीक है प्लस ये जो है ब्राउन जो होता 3 से गुणा होता, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है वो अपने को 100% दिया है, जो वैल्यू में जो चेंजेस आया है, तो अगर इसे 3b करोगे तो br+1 ये b1, ठीक है ये माइनस 3br बन जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3b से 2b आ जाएगा, और इसे माइनस 2br हो गया, तो ठीक है b - br बराबर कितना हो जाएगा 50%। किसने किया ये क्वेश्चन इस वाले मेथड से, वो ऑप्शन मेथड नहीं, किसी ने किया है? अरे क्या सास हो गए क्या सब लोग? नहीं सर, बना नहीं है क्वेश्चन। किसी से बना था? पूजा, पूजा भाग गई। उसी ने, देखो आप ध्यान से देखना इधर, ठीक देखो ध्यान से देखना, देखो 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे को ऑर्डर किया था, देखो 5 × 3, ठीक है, क्योंकि ये गलती है जब ऑर्डर मतलब 3 से, देखो होना चाहिए था मतलब भूरा होना चाहिए था। ठीक है, अब 5 × 3 प्लस, ध्यान समझना, भूरा को मैं मान रहा हूँ एन, ठीक है, इंटू 1 से गुणा किया। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये कंडीशन है अपने को जब होना चाहिए था, रियलिटी मतलब ये हो गया उसके, मतलब ये हो गया गलती से, पर होना चाहिए था क्या, 5 जो गुणा होता वो 1 से गुणा होता और जो एन है वो 3 से गुणा होता। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, रियलिटी में यही है, अपने को एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, जब अपन ले रहे हैं भूरा जोड़ा, देखो ये वाले कंडीशन 3n प्लस, ठीक है, और ये जो है ब्लैक जोड़ा जो है, मान लो कि 5 अपन जब लिए थे सिंपल केस में, ठीक है, तो ये 2 गुना किसका हो रहा है, इसका हो रहा है ना 15 + n, मतलब 100% बढ़ गया, उसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि 1 में 100% की वृद्धि होगी तब क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा ना, तो ये वाली जो कंडीशन अब लगाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3n + 5, इसको गुणा करो 15 × 30 प्लस 2n, 3n में से 2n घटाओगे तो n, और 30 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये तरीका है इसका बेस्ट। बस यहाँ पे है ना, अपन गलती क्या कर रहे थे, 100% का मैं जो है वो गलती कर, 100% नहीं, आप ये सोचो ना 100% कोई चीज़ बढ़ गई, ध्यान से देखना, कोई 1 रुपया था वो 100% बढ़ा है, 1 रुपये का 100% का मतलब क्या होता है, 1 रुपया और बढ़ गया मतलब 2 रुपये हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाली जो चीज़ थी, जो ये रियल थी, ये ओरिजिनल थी, ध्यान से समझना, ये ओरिजिनल चीज़ थी, पर गलती से उसने ये कर दिया और उसके कारण इतनी बढ़ गई है, ये क्या बढ़ा, तो जो बढ़ मतलब जो कम है उतना बढ़ गया, तो 200% हो गया, तो बस ये चीज़ याद रखना, 200 की जगह परसेंटेज की जगह आपको 2 यूज़ करना है, बस वही चीज़ बात, समझ में आया? सब पहले बात भाग गए होंगे सब लोग, अरे समझ में आया, समझ में आया, दोबारा समझाऊं? चलो ठीक है, अगला देखो, अब देखो यही क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने उस टाइम गलत बना दिया था ना, आगे जाके यूपीएससी ने यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने हटा दिया था,
यही सेम क्वेश्चन को सही नहीं, यूपीएससी ने ना पहले 2002 या 5 में पूछा था ये क्वेश्चन, फिर यूपीएससी ने दोबारा पूछा, उल्टा कर दिया इसने, इसे आंसर नहीं निकालना पॉसिबल नहीं होगा, यूपीएससी ने वहाँ सही पूछा था, बस जस्ट उल्टा करके पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, देखो ध्यान से देखा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे फिर से पूछा जा सकता, ये गलत क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे, गलती ये है इसमें। सिर्फ पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। अब देखो जो मान लो कि एक्स पत्रिका पढ़ रहा है, ठीक है, पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है, तो सिवाई से बात है 3y हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया एक पहला कंडीशन। सिर्फ पत्रिका वाई पढ़ने वाले की व्यक्तियों की संख्या, सिर्फ पत्रिका, देखो सिर्फ मतलब स्वाभाविक सी बात है, जैसे ध्यान याद को जैसे वो गोला बनाते थे अपन, एक्स ए वाई है, तो ये इस केस की बात कर रहा है, इस केस की ये एरिया की बात कर रहा है, सिर्फ एक्स पढ़ने वाला, तो मतलब ये एक्स ओनली ये वाला, ठीक है। और पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की पत्रिका वाई मतलब ये टोटल की, ये टोटल जो है इसका जो 3 गुना है, इसी कारण से गलती हुई थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ये मान लो ए मान लो ये जो भी है कुछ भी मान लो इसको ए मान लो, ठीक है, और ये मान लो जो टोटल है जो बी है इसकी 3 गुनी है, ए बराबर ये है, ये 3 गुनी है ए, तो इसको अपन बराबर करने के लिए इसको ये करेंगे। अब देखो आगे कंडीशन, सिर्फ पत्रिका वाई पढ़ने वाले, अब मैंने मान लिया ये जेड मान लिया, ठीक, ध्यान समझना, जेड पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है, मतलब अभी टोटल एक्स है, ठीक है। अब ये कैसे संभव हो पाएगा, ध्यान से समझना, जैसे जेड है वो जो है इनके जो टोटल है इसकी 3 गुनी है, मतलब 3x की x गुनी है। अब सोचो जब ये बोल रहा है कि इसका जो है ये टोटल 3 गुना है, अरे बोला नहीं ये इसका इससे का 3 गुना है, तो ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, गलत, इसीलिए क्वेश्चन में ही गलत है। पर इसको ना ये क्वेश्चन जब बनाओ ना तो ये चीज़ याद रखना कि 2005 उधर आया हुआ उस दौर में, उधर जाके देखना, उसमें है ना थोड़ा सही दिया चीज़, उससे आंसर निकल जा रहा है, पर इसमें गलत दे दिया। यहाँ पे देखो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, सोचो ये खुद सोचो, ये बोल रहा है कि पहले ये वाला जो हिस्सा है इसके टोटल का 3 गुना है, ठीक है, चलो मान लिया, अब बोला कि इसका ये जो हिस्सा है इसके टोटल से 3 गुना ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये केस यूपीएससी ने कैंसिल किया था, तो ये चीज़ याद रखना। पर ये यूपीएससी ने अगर आप देखोगे 2005 उधर दौर में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, अभी देखिए धीरे धीरे ग्राफ का जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे आने वाले मतलब अच्छा है। ए और बी का वर्ष 2006 अवधि का उपार्जन दिया गया, क्या क्या किया उसने, ठीक, उपार्जन दिया गया, ध्यान से देखो, अब देखो उपार्जन ध्यान देखो, 2000 से बी की तुलना में जो है इसका उपार्जन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पर 2007 के बाद में जो है ए का उपार्जन बी के उपार्जन से कम हो गया, समझ में आ गया। तो बस कहाँ पे यही देखना है, ये पूछ रहा अपने को 2000 से 2010 के उपार्जन, इस अवधि के दौरान औसत रूप से ए ने बी से अधिक उपार्जित किया, हाँ ये देखो ए देखो यहाँ से ज़्यादा कमाते जा रहा है, ज़्यादा कमाते जा रहा है, यहीं तो कम हुआ ना, तो औसत रूप से देखोगे तो स्वाभाविक सी बात है ए ने ज़्यादा कमाया ना, आंसर आगे आगे देखो, इस अवधि के दौरान औसत बी रूप औसत रूप ने बी ने ए से अधिक उपार्जित किया, बी तो यहीं पर तो आगे हुआ ना, इसी वाले पार्ट में आगे हुआ ना। अब मैंने हमेशा बताया कि इस टाइप के क्षेत्रफल निकाला करो, जब भी अवधि क्षेत्रफल हमेशा इसका ज़्यादा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इस अवधि दौरान ए और बी के उपार्जन समान थे, अरे नहीं, इस अवधि दौरान ए का उपार्जन बी के उपार्जन तुलना में कम था, अरे नहीं ज़्यादा था, ठीक है। तो ये हमेशा मैंने बोला कि जो तो उल्टा दिया रहता है उसका उल्टा दिया ही रहता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, फिर बता रहा हूँ 2015, 16, 17 ये और यहीं से रिपीट होंगे क्वेश्चन। देखो दो नल है ए और बी, किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं, ध्यान से देखना, ये वो टंकी है जिसमें ये ए नल है और ये बी नल है, ठीक है, ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को पूरी तरह बनने में उतना समय लगेगा, मैंने कितनी बार बोला है ये किसकी बात कर दिया, एलसीएम का, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60, ठीक है, ठीक है 60 आ गया, ठीक है, ध्यान समझना, 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को पूरी तरह भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे एक तो तरीका देखो ये क्या होता है, अब देखो मैं एक कॉमन सेंस वाला तरीका बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना, सोचो ए जो है किसी टंकी को 20 मिनट में भर रहा था, ध्यान से समझना, ठीक है, और जो बी है उसी को भर रहा था कितने मिनट में, 30 मिनट में। अब सोचो दोनों मिलके करेंगे, इतना तो कन्फर्म है कि भाई इससे नीचे जाएगा, ठीक है, तो ऐसा तो है ना कि 25 मिनट जाएगा, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाला तरीका। हाँ बोलो पूजा, सर इसमें ना एक का एक मिनट का निकाल लीजिएगा ना, दोनों का जैसे 20, एक का भी एक मिनट का निकाल लीजिए, बी का भी एक मिनट का निकाल लीजिए,
उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाता है। हाँ, वो रेशियो वाला भी तरीका सही बात कर रही हो आप। पर मैं इसमें बता रहा हूँ कॉमन सेंस से भी कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब तो ध्यान से समझना, ये 20 मिनट में भर रहा था, ये 30 मिनट में भर रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है 20 मिनट से तो कम ही भरेंगे ना दोनों साथ में मिलके। अब ऐसा तो है ना कि 20-25 मिनट में वो तो होगा नहीं। और कभी भी इस केस का ना कभी भी ऐसा नहीं बहुत, अब आधा में तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि देखो इसकी जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, तो आंसर इन दोनों में से आएगा। आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ऐसा नहीं वो ज़्यादा कम होता, ठीक है। तो वो वाला एक तरीका है कि दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आप देखो जो पूजा बता रही है वो तरीके मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ए और बी टंकी अलग अलग क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो पूजा भाई तुमने पूरी टंकी की क्षमता कितनी ली थी उस अकॉर्डिंग किया होगा ना? पूजा तो एक मिनट में भरेगी, ये करना पड़ेगा ना 100/20, तो ये कितना है इसका? तो एक मिनट में पांचवा हिस्सा भरेगी, ठीक है। और ये जो है 30 मिनट में भरेगा 100, ठीक है। तो ये समझ में आते एक मिनट में भरेगी कितना, ये चला जाएगा 10/3। नहीं वो 10/3 कर लो तो सब 10/3 आ गया ना, ठीक है। 10/3 आ गया, पाँच आ गया। सर पॉइंट में लाना पड़ेगा। अब ये दोनों मिलके सबाई से बात है, देखो कितना भरेगी 10/3 प्लस एक मिनट में इतना भरेगी, तो ये पांच पहले जोड़ दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 में 15 25/3, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे तो टाइम पूछ रहा कितना मिनट लगेगा, तो ये चला जाएगा उधर जाएगा, तो 100 × 3/25, तो 25 × 100 = 12, तो 12 मिनट लगेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। अब सुनो दूसरा तरीका मैं बताऊँ, ध्यान से समझना, वो तरीका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं फिर बता, क्वेश्चन होने चाहिए, तरीके बहुत हैं। देखो ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम में 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी पूरी भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लो 20 और 30 का, ठीक है। ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो समझ जा, ये मैं बता रहा हूँ कि उनके एक मतलब एक मिनट में वो कितना भरेंगे, मतलब ठीक है दोनों साथ में मिलकर कितना भरेंगे। ये मान लो कि ये इनके कैपेसिटी है कि 60, मतलब ठीक है ये 60 के समथिंग भरेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, रुक जाओ, मतलब ये इनका मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो इनकी पाइप की क्षमता आ गई, ये जैसे मान लो ये पहले भर रहा था, ध्यान समझना, देखो ये भर रहा था 20, ध्यान समझना, हाँ यहाँ अब देखो ये भर रहा था 20, ये भर रहा था 30, अभी जब दोनों भरेंगे साथ में मिलके, तो ये याद रखना ये भरेंगे 60, ठीक है, ध्यान समझना। तो ये देखो ये किससे इससे कितना गुना है, 3 गुना, ये इससे कितना गुना है, 2 गुना, तो मतलब दोनों कितना क्वांटिटी, मतलब ये 3 मिनट ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है, दोनों साथ में लेके कितना 5, तो टोटल 60 भरने में कितना लगेगा इसको, 12 मिनट, तो ये चीज़ याद रखना, सॉरी 12 मिनट। अरे ना ये क्वेश्चन आगे आएगा, तो ये चीज़ याद रखना, एलसीएम निकाल लेना दोनों का, फिर ये देखना ये कितना ले रहा है टाइम, तो ये लगेगा 3 मिनट, ठीक है, 60 भरने में 3 मिनट, ये 30 कितना लेगा, 2 मिनट, ठीक है, ये 2 मिनट लेगा, तो दोनों का जो दौड़ के 5 मिनट में सब ऐसी बात है, वो टोटल को भरने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 12 मिनट लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला जिससे फास्ट होता है वो तुम जो करें पूछे वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो, मैंने बनाया था कि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो इसका फॉर्मूला ए इंटू बी बटा ए प्लस बी, बस। तुम कहाँ सीख के आते हो रे, फॉर्मूले चक्रो मत पड़ो अमित, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वहाँ यूपीएससी हमेशा घूमता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बात तो वही आई ना जो मैं करवा रहा था, वही बात है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी सीख लो तरीका, अमित का तरीका भी सीख लो। चलो फिर ना फॉर्मूले चक्कर मत पड़ना, फॉर्मूले नहीं लगता है, और हर कंडीशन के लिए कितने फॉर्मूले याद करोगे तुम। चलो ठीक है, आगे देखो, ये आज मैं टॉपिक पढ़ रहा था, ध्यान देखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अरे मैं फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 क्वेश्चन आएंगे,
एक घन के छह विभिन्न फलकों में से पत्ते को भिन्न रंग अर्थात वी आई बाई जो से रंगा गया है, ठीक है, ये होता है घन, ठीक है, इसको प्रत्येक फलक को अलग अलग रंगों से रंगा गया है, ठीक है, ये है वाई ओ बी संलग्न फल के पर जो संलग्न फल के मतलब जो पास में जुड़ी हुई है, देखो तो जैसे मान लो ये भुजा है, इस पर मान लो मैंने वाई रंग कलर किया, ठीक है, इस पर मान लो मैंने ओ कलर किया है, ठीक, ध्यान से समझ लेना, और ये देखो इस फलक से जो जुड़ी हुई है तीसरी भुजा ये होगी, ठीक है, तो मान लो कहीं पे यहाँ पे मैंने वाई को किया, यहाँ पे ओ को किया, यहाँ पे बी को किया, ठीक है, आई जी वी संलग्न फलकों पर है, छोड़ो मैं ये डायरेक्ट वैसे कराता हूँ, ऐसे मत करो, अब देखो इसमें कैसे कराता हूँ, ध्यान समझ लो, मेन चीज़ आपने पूछ क्या रहा है, रंग ओ से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर, सीधी सी बात है पॉजिटिव पूछ रहा है, मैंने कितनी बार बताया, डायरेक्ट देखो ध्यान से देखना, देखो y के, अब देखो जो कॉमन है ना वो लो, y लिया, y के पास में कौन कौन है, o है, b है, इधर देखो संलग्न फल के कौन आ रहा है, i आ रहा है और g आ रहा है, तो y का अपोजिटिव कौन सा हो गया, ऑटोमेटिक डायरेक्ट क्या हुआ, v, y का अपोजिट है डायरेक्ट v, ठीक है, तो ये तो गया आंसर आंसर में से, ठीक है, अब आगे देखो, अब अपने देखो चाहिए ना o का एक तरीका और सिखाता हूं, तो फिर लोगों फास्ट करना, ठीक है, याद करो, देखो ध्यान से देखना, इधर ओ का चाहिए डायरेक्ट ओ को पकड़ो, ओ यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, ओ देखो ओके, और नज़दीकी फलक कौन है, बी है, वाई है, और कौन है, वी है, ठीक है, ओके, यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, और वी है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है, समझ पाता है, बी नहीं आएगा, ठीक है, वाई नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, ठीक है, अपन जी और आई के बारे में पता नहीं है, तो इसके बारे में अपने को देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो ये तो दो ऑप्शन तो आ गए, अब देखो ध्यान से देखना, मुझे मतलब जी का या आई का किसी का भी मिल जाएगा तो मैं निकाल दूँगा, तो इसके मतलब मैं जी का निकालूंगा, अब देखो जी का पॉजिटिव निकालने के लिए जी का पड़ोसी कौन कौन है, आई है और वाई है, ठीक है, और यहाँ पे जी का यहाँ पे कौन कौन है, पड़ोसी बी है और वाई है, ठीक है, तो जी का सबाजी बात है पॉजिटिव इनमें से तो नहीं होगा, ठीक है, जी का पॉजिटिव तो आई तो नहीं होगा, अब देखो सुनो यहाँ पे अपन वाई का पॉजिटिव क्या निकाल लिए थे, वो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वाई का जैसे ओ हो गया, बी हो गया, वाई का बी, सॉरी जी हो गया ना, अरे रे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, देखो देखो बी को है ना, सब जान, देखो बी तीन जगह दिया तो यहाँ से अपने प्रोबेबिलिटी बी का अपोजिटिव निकल के आ जाएगा, देखो बी का क्या है, ओ है, पड़ोसी फल के है, और जी है, और वाई तो फिर आ गया, और यहाँ पे देखो ओ है और वी आ गया, तो ये देखो, अब देखो बी का पॉजिटिव अपने निकल के आ गया, बी का पॉजिटिव क्या आया, ओ नहीं है, वाई नहीं है, जी नहीं है, आई आ गया, बी का पॉजिटिव आई आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना, अब देखो डायरेक्ट ये आई ऑप्शन से कटा, अब देखो अब ओ का निकाल लो, उससे आ जाएगा आंसर, ओ का देखो पड़ोसी फलक कौन कौन सी है, बी है, वाई है, ठीक है, अगला देखो ओ बी ओ का कौन है, वी है, ठीक है, अब देखो इतना तो पता लग गया जो ओ का जो है अपोजिटिव बी नहीं होगा, वी नहीं होगा और वाई नहीं होगा, और आई पता लग चुका है बी का है, तो कौन बचा, आ गया आंसर, ठीक है, तो ये बेस्ट वेरी बेस्ट मेथड, वो डायग्राम वाले मेथड मत पढ़ना, ये मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा ये पढ़ा करो, एग्जाम में पूछ क्या रहा अपने को, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप से अभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ध्यान समझना है क्वेश्चन को, ठीक है, देखो ध्यान से, कथन, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, अब देखो मैंने ये लिया सारे पर्सन, इसमें से कुछ व्यक्ति जो होते हैं, ये व्यक्ति ले लिया मैंने, इसमें कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ध्यान से समझना, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, मैंने फिर मैं बता रहा हूँ, दो केस बन जाएगा, एक मैं ले लिया बुद्धिमान वाला, ये वाला ले लिया, ध्यान से समझना, बुद्धिमान वाला मैंने ये ले लिया, ठीक है, बुद्धिमान वाला मैंने ये केस ले लिया, एक केस मैंने हमेशा बोला दोनों केस लेके चलो, ये मैंने व्यक्ति लिया, ठीक है, यही मैंने महान ले लिया, और यही मैंने कुछ व्यक्ति बुद्धिमान ले लिए, तो ये व्यक्ति हो गया, ये महान लोग हो गए, और यही कुछ लोग हो गए जो बुद्धि, मैं फिर दो केस लेके चला, जीवन में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, देखो व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, देखो यह इस केस में तो ये लागू हो रहा है, हाँ क्या, तो व्यक्ति बुद्धिमान रहेगा या महान रहेगा, अरे ऐसा नहीं है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो व्यक्ति ना तो बुद्धिमान है ना महान है, काट दो, यहाँ पे भी लागू नहीं हो रहा, कट गए, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान, अरे क्या बात कर रहे हो, देखो एक चीज़ याद रखना, देखो कुछ ना कुछ छोड़े हुए तो व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महान है, ठीक, हाँ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान, अब देखो इसके लिए है ना तीसरा केस भी लेना पड़ेगा, तीसरा केस ध्यान से समझना, मैंने लिया
अब देखो इसको काटने के लिए मैं फिर बता, केस जितना लोग उतना ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो ये मैंने व्यक्ति लिए, ध्यान से समझना, और व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ठीक है, तो व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ये मैंने महान लिया, ठीक है, ध्यान देखना, और ये मैंने व्यक्ति लिया, ध्यान देखना, तो व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ये तो यहाँ पर सारे सारे महान हो गए, नहीं ये वाला लो, व्यक्तियों को इधर लो बाहर लो, अरे महान ले लिया मैंने सारे, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, हाँ तो ये देखो ये वाला केस लग जाएगा। अब देखो महान मैंने यहाँ लिया तो कुछ व्यक्ति महान होते हैं, हाँ ये बात सही है, देखो कुछ व्यक्ति, सारे सारे व्यक्ति महान नहीं होते हैं, ये वाले कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, कुछ व्यक्ति, चाहो तो मैं ये वाला केस भी ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, अब मैंने ये केस ले लिया, कुछ व्यक्ति जो बुद्धिमान होते हैं, ये एक केस ही हो जाएगा, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान भी होते हैं महान भी होते हैं, ठीक है। अब देखो या तो व्यक्ति महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, व्यक्ति जो को महान भी है बुद्धिमान भी है, कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोनों के दोनों, तो ये कट जाएगा, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखो ये व्यक्ति है, ठीक है, अब सारे के देखो कुछ व्यक्ति तो, देखो केस मतलब देखो केस जितना डिफरेंट डिफरेंट लेके चलोगे, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति अपने को, आप ऑल इंक्लूड वाला केस भी ले सकते हो, ये ऐसा नहीं, ये सारे सारे व्यक्ति महान है, ये मैंने मैंने ये जो बचा हो सारे सारे बुद्धिमान ले लिया, तब क्या करोगे, तो केस कुछ व्यक्ति ना तो महान होते ना बुद्धिमान, नहीं दोनों निष्कर्ष वैध नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। रुको मैं आप एक बार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बार होता हूँ, देखो ध्यान देखो, कुछ व्यक्ति महान होते हैं, ध्यान से, मैंने व्यक्ति लिया, ये पर्सन है, इसमें कुछ बुद्धिमान मैंने इंटेलिजेंस बता दिया, ये कुछ लोग हैं जो महान होते हैं, ग्रेट पीपल होते हैं, एक केस ये बनेगा, एक केस मैंने ले लिया कि तीनों के तीनों ही बराबर है, ध्यान से देखना कि पर्सन ले लिए जितने उतने ही सारे सारे पर्सन वो है, ठीक है, वो है ग्रेट महान। अब देखो कुछ ही व्यक्ति महान होते हैं, ये पर्सन है, इसमें से देखो कुछ व्यक्ति तो है ही ना, इसका मतलब सारे सारे तो तब भी वही केस है, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं तो बुद्धिमान भी है, कुछ ना कुछ व्यक्ति तो बुद्धिमान है ही, व्यक्ति या तो महान होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, इस केस में तो लागू हो रहा है, अपन इसमें कट रहा है, तो ये दोनों केस में सही होना चाहिए, कुछ व्यक्ति ना तो महान होते हैं नहीं बुद्धिमान होते, अरे नहीं ये देखो सारे के सारे व्यक्ति महान हो, सारे सारे बुद्धिमान है, तो ये कट जाएगा, डी आंसर आएगा, ये चीज़ याद रखना, दोनों ऑप्शन यूज करना। और फिर बता रहा हूँ जो फंसा रहा है यूपीएससी स्टेटमेंट में फंसा रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी यही है, कुछ लोग जो है यूएफओ को देखे होने का दावा करते हैं, ध्यान, कुछ ही लोग हैं जो दावा कर रहे हैं दूसरे खगोलीय पिंडों पर जीवन की संभावना मानी जाती है, देखो ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, कुछ भी एक दूसरी बात नहीं है, अंतरिक्ष यात्रा अब तक एक स्थापित तथ्य, ये देखो ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग है, तो इनमें कोई रिलेशन स्थापित ही नहीं कर सकते, बस यूएफओ खगोल पिंड है कोई मतलब ही नहीं है, यूएफओ अनेक खगोलीय पिंडों से भेजे जाते हैं मतलब ही नहीं, अनेक खगोलीय पिंडों में कुछ रहने, कुछ इस पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान है, फालतू की बात बोलते हैं, यूएफओ के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं, मैंने कितनी बार बोला तीनों स्टेटमेंट अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे में रिलेशनशिप नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में, ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अरे दूसरे देखो ये अधिक बुद्धिमान होते हैं इससे कट जाएगा, ये अधिक बुद्धिमान है तो मतलब नहीं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये आप देखो ये मैंने बताया था क्वेश्चन, अब देखो यूपीएससी 2015 में हिंट करना शुरू कर दिया था, अभी 2015 क्वेश्चन है, और अभी ये 8th क्लास का आखिरी चैप्टर मैंने बोला था उस दिन, उससे क्वेश्चन आ रहा है पांच 2024 में 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यही जो है वो यूपीएससी ने 8th क्लास चैप्टर में दिया है, 8th क्लास का आखिरी चैप्टर, आखिरी का चैप्टर है वो, कुछ एनसीईआरटी मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ए बी सी डी ए डी इसको गुणा करते हैं, एक तो इसका एक तरीका है लोगों ने बना दिया कोचिंग वालों ने, पर ठीक है कि जब है ना ऐसे होता है, जब किसी भी नंबर को आप सेम नंबर से, जैसे 1001 है, ध्यान समझना, इसको मैंने गुणा किया एक्स वाई जेड से, तो क्या आएगा एक्स वाई जेड, सब एक सी बात है, तो अब देखो ये पता लग गया अपने को ए बी सी, तो ये डी ई डी का मान कितना हो गया 1001, ठीक है, तो डी और ई का मान पूछ रहा है आंसर, सॉरी डी का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो ये नहीं सी आ जाएगा आंसर, एक तरीका तो ये है, पर मैं नहीं चाह रहा कि उस तरीके से, ये पता होगा तभी तो करोगे, बिना पते क्या हुए क्या करोगे। अब देखो एक चीज़, अब देखो ध्यान से कॉमन सेंस सोचना कैसे कैसे, ए बी सी डी ये भिन्न अंक है, ठीक है, और डी ई के मान क्या हो सकते हैं, अब ध्यान से समझना, पहली बात तो मैंने क्या बोला था, नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही नंबर लेके चलना पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात अब देखो ध्यान से समझना,
यहाँ पे ए बी सी लिया, अब देखो ध्यान से, जब गुणा करते हैं अपन किसी संख्या से गुणा के, अगर वही संख्या आ जाए, ठीक है, वही संख्या आ जाए ए बी सी की, ए बी सी सारी की सारी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि, अब देखो यहाँ पे देखो लेके सोचना, देखो ना सबसे मेरा मानना है इस वाले क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका है, इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन कोई चूज़ करना पड़ेगा। मैंने देखो पहले ले लिया, मैंने डी का मान दो, ई का मान जीरो लिया, अब ध्यान से देखना, डी का मान मैंने लिया दो, ई का मान लिया जीरो दो, अब ध्यान से देखना ए बी सी से मैं गुणा कर रहा हूँ तो सबाई सी बात है क्या हो जाएगा, दो सारे सारे गुणा हो जाएगा, तो ये तो ये सबाई सी बात है ये तो बन ही नहीं पाएगा, ए बी सी तो नहीं बन पाएगा, गया काम से। अब लो डी को जीरो लो, ई को वन लो, ठीक है, डी को जीरो ले लिया, ई को वन लिया जीरो, अब ए बी सी से मैंने गुणा किया जीरो आ गया, ठीक है, ये तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, फिर ए बी सी से गुणा करूँगा ए बी सी, अब यहाँ पे देखो सी आ जाएगा और ए बी जो है पावर बन जाएगा, फिर तो वो नहीं हो पाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ऐसे मान रख रख के देखना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट है, डी का मान लो आप एक, ई का मान लो जीरो जीरो वन, अब देखो ए बी सी को गुणा करो, ध्यान समझना ए बी सी, अब मैंने गुणा किया यहाँ पे दो जीरो है तो डायरेक्ट ए बी सी के ए बी सी आ जाएगा, फिर एक से गुणा करो ए बी सी, ऑप्शन मेथड यूज करना, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी तीन डिजिट को किसी चार संख्या से गुणा किया जाता है तो वही संख्या अगर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो वो चीज़ याद रखना कि ये 1001 होगा, ये ट्रिक भी है, पर ये एनसीईआरटी में दिया भी है, छोड़ो, अब आ जाओ 2023 वाले में ये क्वेश्चन आया है ना सर। हाँ यही तो, ये अब मैं फिर तो चार पांच क्वेश्चन आएंगे तो आपकी बार 2023 में भी आएंगे, अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब अगला देखो सर, सीडीएस में भी पूछ रहे हैं। हाँ तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है, सबसे बड़ी बात ये कि एनसीईआरटी में दिया है, चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन से डिवाइड करवा रहा है, ठीक है, अब आगे देखो 3, 13, 37, अरे वो आर्ट ग्राफ चैप्टर बना लेना, बन जाएगा, बस उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जो जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हो जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाओ तभी माइंड चलेगा उस अकॉर्डिंग, और कुछ ही नहीं। अब देखो नीचे देखिए ग्राफ है, विषय वस्तु दिया गया सारा, तब देखो कीमत रुपये में दी है और वर्ष दिया, 1900 वर्ष में वस्तु की कीमत, अब देखो ध्यान देखो यहाँ पे देखो ये लेके गए अपन, ये लेके गए, सब भाई बात है कहाँ पे है, 10 से 20 के बीच में, अब उससे 10 होगी गलत, 12 रही होगी, सबसे आंसर फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब ये देखो ये भी ऐसे निकलेगा फट से आंसर, ठीक, ध्यान से देखना इसको, दो परिवारों ए और बी द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्चे का अनुपात दिया गया है, देखो बार ग्राफ, अब देखो ध्यान से देखना ये एकदम अच्छे से आंसर आएगा इसका, देखो अब देखो ये कुल खर्च दिया है, अब ये देखो कुल खर्च दिया है 20,000 का 50% कितना आ जाएगा 10,000, फट से निकाल लो तो आंसर आ जाएगा फट से, ठीक है, अभी 50,000 है, सॉरी 10,000 बचा, 10,000 में 30 उसमें खर्चा कर रहे हो, ठीक है, 20 उस पर खर्चा कर रहे हो, तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, अरे बताओ 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, अब फोड़ दो तुम लोगों को, 2,000, तो फिर ठीक है, अब 10,000 का 30% कितना होगा, तो फिर 3,000 होगा, तो फिर 15,000 ही बनाना, 20,000 होना चाहिए ना, अरे देखो इधर 20,000 प्रति माह कुल खर्च, उसमें से ये देखो 50% खाद्य पदार्थों पर करता है, 30% अन्य मदों पर करता है, ठीक, चलो ये देखते हैं उसमें पूछ क्या रहा है, ये निकालोगे खाद्य पदार्थों पर इसका आएगा 10,000, ठीक है, अगला इसका देखो, इसने एक लाख रुपये प्रति माह किए हैं, ठीक है, 1,00,000 प्रति माह, तो 60% इस पर करता है, तो 1,00,000 का 60% नहीं खाद्य पदार्थों पर देखो 10% ही कर रहा है, 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है, ये भी देखो 10,000 खर्च कर रहा है, ये भी 10,000, तो ये दोनों सेम ही है, तो यही पूछ रहा है, देखो अपने यही पूछ रहा है, तो इसी पे चलते हैं, परिवार ए ने खाद्य पदार्थों पर परिवार बी की अपेक्षा अधिक खर्च किया, गलत, परिवार बी ने खाद्य पदार्थों पर परिवार ए की अपेक्षा अधिक खर्च किया, गलत, परिवार ए और परिवार बी ने खाद्य पदार्थों पर समान राशि खर्च की, देखो एक चीज़ निकालनी थी, अब देखो ना ऐसे यही मैं फिर बता, ऑप्शन पढ़ा करो, आंसर फट से आता है, अरे फालतू चीज़ें नहीं करनी पड़ती, अभी देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, सबसे धीमी कौन दौड़ रही है, अब ध्यान से देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से करूँगा, ठीक, ध्यान देखो, सबसे धीमी पूछ रहा है, उषा कमला से तेज दौड़ती है तो उषा तो गई काम से, क्योंकि तेज दौड़ रही तो का मतलब नहीं, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है तो स्वाति गई काम से, ठीक है, स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है तो कमला गई, आ गया आंसर, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन देखो मैं एक एक ऑप्शन बना के करता हूँ,
उषा जो है कमला से तेज दौड़ती है, ध्यान से समझना। अब आगे मैंने क्या बोला था, जो पहला स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना उसी से रिलेटेड देखो कहाँ पे उषा और कमला की बात की है। यहाँ पे की है नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे क्या है स्वाति जो है कमला से धीमे जोड़ती है, स्वाति जो है कमला से धीमे जोड़ती है, ये आ गया स्वाति। अब देखो कहाँ पे स्वाति की बात कर रहा है, प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है, तो ये आ गया प्रीति। तो बस आ गया आंसर, सबसे धीमे दौड़ने वाली प्रीति। तो दोनों मेथड बता दिया, दोनों तरीके से कर लेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत हुए ना फोड़ दूंगा आप, मैं फिर बता रहा हूँ जो जितने पैटर्न में क्वेश्चन करा दूंगा ना इसे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन, वही सेम पैटर्न है ना। अब देख भी रहोगे ये क्वेश्चन अपन कितनी बार करते आए हैं। अब ये देखो ये घड़ी वाला मैंने उस दिन भी बताया था, ध्यान से ये चाहो तो घड़ी से बन जाता है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको ऑब्जर्व करना, 6 से 7 बजे के बीच में अपराध 6 से 7 बजे के बीच किसी समय किस घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। अब देखो ध्यान से देखना, हो जाएगा आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखना, 6 से 7 बजे की बात कर रहा, तो मैं 1 2 3 4 गलत बन गया। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इनमें कभी गलती मत करना है। तो घड़ी लेके जाना मेरा, तो मानना उसे घड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है। अब जाओ ध्यान से देखना, 6 से 7 बजे के बीच की अपराध 6 से 7 बजे के बीच किसी समय घड़ी की मिनट की सुई घड़ी घंटे की सुई से 3 मिनट आगे। अब देखो ध्यान से देखना, 6:15 सोचो 6 बजे घंटे की सुई यहाँ रहेगी, यहाँ पे ये देखो ये तो 15 मिनट का अंतर हो जाएगा, काट दो। ये पूछा 3 मिनट आगे कब होगी, 6:18 पे यहाँ पे आएगी ये, और ये यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे देखो 12 मिनट का अंतर रहेगा, काट दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, 6:48 अभी 6:48 मतलब 45:48 यहाँ पे समथिंग, ये देखो कितने मिनट आगे, काट दो। 6:36 हाँ ये बात सही है, देखो 6:36 मैंने उस दिन बोला था, देखो 2.5 मिनट आगे आ जाएगी, ध्यान से समझना मैंने बोला था ना कल, देखो यहाँ पे आ जाएगी ये, और ये 6:36 की बात कर रहा, तो हाँ ये 3 मिनट आगे आ गई, तो ये देखो यहाँ पे जैसे 31, 32, 33 पे होगी और यहाँ पे ये होगी 36 पे, तो 3 मिनट का अंतर आया। देखो कोई जरूरत नहीं है सर, क्या बताया 2.5 मिनट का, क्या एक बार फिर से सर। देखो ध्यान से समझना, देखो जब भी घंटे की जो सुई होती है 60 मिनट में वो कितना बढ़ती है आगे, 5 मिनट आगे बढ़ती है, सही बात है ना ये। अरे ये बताओ जब मिनट की सुई जब 60 मिनट पूरा घूम जाती है तब घंटे की सुई जो है एक मतलब जैसे 4 बज रहे थे तो फिर 5 बजाने दिखाने लग जाती है ना, इसका मतलब क्या हुआ 30 मिनट में कितना बढ़ती है वो 2.5। तो मैंने यही तो देखा ना, देखो 6:30 से ज़्यादा बज गए तो इसका मतलब 2.5 से ज़्यादा इधर जाएगी वो, अभी दिखा रहा 6:36 मिनट की सुई है 36 पे, तो ये कितने जो घंटे की सुई है वो कितने पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी ना बीच में 6 और 7 के बीच में आ जाएगी ना, तो ये 3 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। अरे ऐसे भी तो दिख ही रहा था क्योंकि देखो 6:48 पे ऐसे तो निकल रहा है ऐसे वो थोड़ा इतना अरे नहीं तो सबसे बड़े घड़ी नहीं वो कॉमन सेंस से यूज़ करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है ऐसे तो एलिमिनेशन टेक्निक मैंने बताई थी दोनों, अरे नहीं तो घड़ी वाला मेथड है एक वो तरीका, एक एंगल वाला तरीका भी है जो मैंने कल बताया था, चाहो उससे भी कर लो। अब आगे देखो, देखो यही सेम क्वेश्चन 2023 में आया था, मैं फिर बार बताऊँ रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 कारें और 5 व्यक्ति है। ठीक है अब देखो ये टेबल बना लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसमें, उससे हो जाएगा। ठीक है वर्क कार्य या तो व्यक्ति वन को, जो वर्क वन होता है ये मेन वन को दिया जा सकता है, अथवा व्यक्ति दो को नहीं दिया जा सकता, ये इतना पता लग गया जो वर्क वन है जो ओनली मेन वन को ही दिया जा सकता है। ठीक है और मेन टू को नहीं दिया जा सकता, तो मतलब मेन थ्री को दिया जा सकता है, मेन फोर को दिया जा सकता है, मेन फाइव को दिया जा सकता है। कार्य जो दो है वो व्यक्ति तीन को अथवा चार को ही दिया जाना चाहिए, तो ये जो है ये तीन को या चार को ही दे सकते हो आप, इसके अलावा किसी को नहीं दोगे। ठीक है आगे देखो, हर व्यक्ति को एक कार्य दिया जाना है तो कार्य कितने तरीके से किया जा सकता है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैंने ये लिया वर्क 3, ये वर्क 4 लिया, ये वर्क 5 लिया, टेबल बन जाएगी ऐसे करके, चाहे तो टेबल बना लो वो ज़्यादा ठीक है, अपन ध्यान से देखना। अब देखो ये दिया जा सकता है दो लोगों को, कैसे तो M3 या M4 को दिया जा सकता है, तो यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, दो की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई, ध्यान से समझना। अब जब यहाँ पे मैंने दो को दे दिया है, ठीक है
इसको चाहो तो टू फैक्टोरियल लिख लो, मतलब टू फैक्टोरियल दो तरीकों से दो, तो ये दो फैक्टोरियल है। अभी देखो जब मैंने m3 को दे दिया यहाँ पे, मान लो मैंने m3 को दिया, तो यहाँ पे m3 नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, एक दो तीन। या मैंने जब m4 को दे दिया तो m4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे देने के कितने तरीके बच गए, थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे मान लो कि किसी ना किसी को दे दिया काम, कि यहाँ पे मान लो मैंने m3 को दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने m4 को दे दिया, अब बचे कौन, m1 बचा है, m, अब देखो यहाँ पे इन तीन केस है, तीन 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 काम बचे हुए हैं और अपने पास तीन ही व्यक्ति बचे हुए हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है इनके लिए क्या क्या है कि या कह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 आ जाएगा, यहाँ पे m2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बचा कि जिस मैंने m3 m4 को दिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m3, यहाँ पे m5 आ जाएगा, यहाँ पे तो अपने पास एक एक ऑप्शन ही, कर लो थ्री फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे कितना हुआ, तीन इंटू दो, ठीक है, तीन दोना छः, छः आ गया, और यहाँ पे दो फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया छः, दो का फैक्टोरियल दो बना एक, ठीक है, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, छः दो ने कार्य वन या तो व्यक्ति वन को अथवा व्यक्ति, रुक जाओ रुक जाओ, हाँ गलती हो रही थी, मैं रोक देखो कुछ ना कुछ गलती हो रही, रुक जाओ रुक जाओ, यही मैं फिर बताऊँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, देखो ध्यान से देखना, पांच कार्य है W1, W2, W3, W4, यही सेम क्वेश्चन आपकी बार भी आया था, मैं फिर बार बताऊँ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब देखो कार्य वन एकदम स्पेसिफिक कंडीशन दे, या तो व्यक्ति वन को या अथवा दो को नहीं दे जा सकता, व्यक्ति वन को अथवा व्यक्ति दो को नहीं दिया जा सकता, अरे देखो अपन गलत पढ़ रहे थे, मैं फिर बताऊँ, यही है, मतलब ये W मैन वन और मैन टू को देना ही नहीं है, तो स्वाभाविक बात है किसको किसके दे सकते हैं, अपन M3 को दे सकते हैं, M4 को दे सकते हैं और M5 को दे सकते हैं। अगला देखो W2 बोल रहा है कि M4 को दे सकते हो या M3 को दे सकते हो, आप देखो ध्यान से समझना, मैंने M3 को यहाँ पे दे दिया, ठीक है, मैंने M3 को दे दिया, तो स्वाभाविक बात है यहाँ M3 ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो यहाँ पे M4 या M5 में से किसी को मिलेगा, तो यही स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टू फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू फैक्टोरियल, ठीक है। आगे देखो, अब ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे मान लो कि मैंने M3 को दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने M5 को दे दिया, तो यहाँ पे किसको मिल जाएगा, यहाँ पे M4 को मिल सकता है, तो यहाँ पे अब तीन केस, तीन लोग हैं वो तीन स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल, अब गुणा कर लो, तीन तीन फैक्टोरियल इंटू दो का फैक्टोरियल इंटू दो का फैक्टोरियल करो, तीन दुना ये तीन दुना छः हो जाएगा इंटू दो इंटू दो, तीन दुना देखो तीन दुना छः, छः दुना बारह, बारह दुना चौबीस, दैट इज द राइट मेथड, तो मैं फिर बता रहा हूँ गलती अपन यही कर रहे थे, ये याद रखना, अरे फैक्टोरियल वाला मेथड है, मैंने जब भी बोला था अरेंजमेंट की बात आएगी तब ये करना, जब चूज की बात आओगी तो कॉम्बिनेशन लगाओगे, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आया था आपकी भाई, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, गलती मत करना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अभी ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस वाला, पीटर पाल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय जो है 3:2 के अनुपात, अब देखो ध्यान से देखना, आप कौन जाग गया भाई, ठीक है, आगे देखो, देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, ध्यान से समझना, 100 रुपये कमाए और मैंने 60 रुपये खर्च कर दिए, तो ये मेरे पास जो आएगा ये क्या आएगा, बचत आएगी, ठीक है, तो यही दिया है, पॉल मासिक आय है 4 रुपये कमा रहे थे, उस अनुपात की बात है, उसमें से उसने 3 रुपये खर्च कर दिए, यदि मास के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये बचत करता है तो उनकी मास की आय, अब देखो ध्यान से देखना, अभी 4 में से 3 घटाओगे तो 1:1 का मान दे दिया 6,000, इधर देखो 3 में से इसका दे दिया 1:1, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 6,000, तो सब भाई 1:1 का मान जब 6,000 है तो आय का पूछ रहा है ना अपने को, मासिक आय क्या है, तो मासिक 6 से 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा 24,000, और 3 से गुणा करोगे तो 18,000 आ गया आंसर, समझ आया मैंने कैसे निकाला, देखते वेरी ईजी मेथड, चाहो तो मैं दूसरा मेथड से करके बता देता हूँ, ये सबसे ईजी मेथड है जिससे फट से हो जाता है, ठीक है। अगला देखो सेकंड मेथड देख लो, मैंने देखो ना जब भी रेशियो को, ध्यान से समझना, जब भी रेशियो को जब ऐसे रहे 4:3 है तो कुछ मान लो, ठीक है, ये मान लिया मैंने 4x है, ठीक है, आई है आई, ये मैंने मान लिया, ध्यान से समझना, ये इसमें से कुछ खर्चा किया, ठीक है, 4x में 3 खर्चा कर दिया,
कुछ आई थी उसका परसेंटेज वालों की चाह रहा है जो भी है, ये परसेंटेज क्योंकि रेशियो जो होता है परसेंटेज होता है, तो मान लो मैंने खुद लाई थी एक्स, उसका जो है मतलब ये चार आई है, इसमें से खर्चा करोगे 6,000 रुपये, मतलब ये बचत बचत है जैसे आई टोटल आई है, क्योंकि रेशियो को लिखने के लिए ना अपने को ये यूज करना पड़ता है, ध्यान से समझना ठीक है। तो ये उसमें से जो आई है उसमें से खर्चा किया उसको घटा दिया तो ये बचत बच गई। अब देखो अगला देखो 3y, इसके लिए y यूज करेंगे 3y-2y बराबर ये भी 6,000 ही है। अब देखो दो समीकरणों सोल्व करने का तरीका, अब देखो ये चाहो वो बराबर कर लो, x को बराबर कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, ये 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, ये 18,000 हो गया। अब इसको 4 को इसे 12 से गुणा कर दो 12x, ये 8y हो जाएगा, क्या ये 24,000 हो गया। तो ये कट गया यहाँ पे 8, ये कितना बन जाएगा 9, 8, 17 और 18 कितना हो जाएगा 24, 18, 16, 42। गलती कर दिए क्या? नहीं नहीं सॉरी, चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा ना, चिन्ह चेंज करोगे हाँ। तो देखो ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कटेगा, ये जो प्लस का है तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का वाई बचेगा ठीक है, और इधर भी माइनस का 6,000 बच जाएगा ठीक। तो वाई बराबर 6,000 ठीक है, वाई बराबर 6,000 आ गया। तो इसका अब अनुपात में रखो, y का अपन क्या माने थे, ये y किसको माने 3 को, तो 6 से 3 को मल्टीप्लाई करो 18,000। तो सबसे बेस्ट मेथड देखो मेरा सीटो फट से आएगा आंसर, वो ये थोड़ा एक्सरसाइज का चक्कर इसमें, ध्यान से समझो कि आगे क्वेश्चन आएगा फिर से। देखो ये उसकी है आई, मान लो मैंने माना 4 रुपये उसकी आई है, उसमें 3 रुपये खर्चा कर दिया और ये 1 रुपये उसके पास बचा, ये 1 रुपये का माना 6,000 रुपये। अब रेशियो में जब एक का अनुपात एक अनुपात का मान 6,000 है तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 24,000, 3 अनुपात का कितना मान हो जाएगा 18,000। सिंपल सा कुछ करना ही नहीं, जैसे जब सबसे इजी मेथड अपनाओ, फालतू मत पढ़ो चक्रो ठीक है। अगला देखो, अब हाथ में दर्द होने लग गया भाई आप तो। चलो देखो 2 शहर, अभी इसलिए बोला ना आगे बढ़ते जाएंगे, अब क्वेश्चन बढ़ेंगे, अब लगेगा टाइम। देखो आज कितना टाइम लग गया, अभी 2 घंटे हो गए ना, लगेंगे टाइम अच्छा, क्योंकि अब 27 बात है क्वेश्चन बढ़ेंगे, कि 2014 तक ऐसे था वो आ रहे थे इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ रहे थे। अब देखो 2 शहर है ए और बी, ध्यान से देखना, ए और बी है और एक दूसरे 360 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से देखना। एक कार ने ए से बी तक 40 किलोमीटर पर चाल से जाती है, ये 40 किलोमीटर प्रति उसके चाल से जा रही है, और 60 किलोमीटर की चाल से ए तक लौट आती है। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर चाल से जाती है और 60 किलोमीटर चाल से ए तक लौट आती है, तो सब ऐसी बात है, ध्यान से देखना। ये इधर जा रहा 40 से, आ रहा है कितने से 60 किलोमीटर पर आवर्स के चाल से, तो औसत चाल का देखो फॉर्मूला, ध्यान से देखना। औसत चाल का जब सेम डिस्टेंस दिया हो तब लगेगा ये फॉर्मूला, याद रखना ठीक है। तो ये लगता है 2s1 s2 s1 plus s2 ठीक है। अब देखो चाल दिया है 2 × 40 × 60, 60 + 40 100 हो जाएगा, तो 2 से 2 0 कट गया, 6 × 24 = 48 48 किलोमीटर पर आओ ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब ये डिस्टेंस सेम दी हो। अब देखो एक तरीका तो ये है, मैं इसका वो वाला तरीका सिखा देता हूँ, वो करोगे तो वही यही आएगा सेम फॉर्मूला। देखो समय बराबर दूरी बटा चाल ठीक है। अब देखो दूरी वही है 360 ठीक है, ध्यान समझना, और चाल अपने को दी हुई है कितना, इस दूरी को कितने में कर रहा हो, 40 के हिसाब से कर रहा है ठीक है, 4 × 4 = 36 9 लगा ठीक है। अब फिर अगला जब वो आ रहा है तब 360 को कर रहा है 60 की स्पीड से, तो ये कर रहा है मान लो कि किलोमीटर पर आवर में करोगे तो मिनट में आ जाएगा। अब इसे समय आया है, अब देखो ना इसमें औसत चाल निकालने के लिए फिर वही करोगे, समय से डिवाइडेड करोगे, पर ये औसत चाल का फॉर्मूला याद ही रखना, जब सेम डिस्टेंस दिया हो तो 2s1 s2 / s1 plus s2 ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, औसत चाल का एवरेज स्पीड है, जब ये जब डिस्टेंस सेम दी हुई ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये मैंने जो फॉर्मूला लिस्ट बना के भेजी थी उसमें है, मैं भेज दूंगा, वो अभी 10-12 क्लास बची है मेरी, वो सारे भेज दूंगा, उसमें ये फॉर्मूले हैं उसमें अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं, ये चीज़ याद रख लेना। और उसमें कम से कम मैं फिर बता रहा हूँ 15-20 क्वेश्चन फंसेंगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें से। आगे देखो, अभी आपने सेंड किया है, किया भी है, कुछ चैप्टर रह गए हैं जो रीजनिंग के, कुछ चैप्टर रहे हैं बस, मैथ के तो मैं शायद सारे भेज दिया हूँ ठीक है, मैं भेज दूंगा जो भी, एक बार फाइनल करके भेज दूंगा उसके रीजनिंग मैथ दोनों का बना के ठीक है। अभी देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अरे रिपीटेड हो सकते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब देखो
ए बी सी डी या चचेरे भाई है, कोई भी दो चचेरे भाई की एक ही उम्र नहीं है, किंतु सभी का जन्मदिन एक ही माँ की एक ही तारीख को पड़ता। मान लो हो सकता 15 तारीख को पड़ रहा, कुछ भी पड़ रहा। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे छोटा जो है 17 वर्ष का है। अब देखो ध्यान देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अपने को एज पता लग गई, ये 17 साल का है, ठीक है। और सबसे बड़ा ई जो है, ई को पता लग गया, ई जो है ये है 22 वर्ष का। ध्यान से देखना, इसका मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब पता लग गया अपने को। पर अब ये खोजने ऊपर वाले ऐप उम्र में कहीं बी और डी के बीच में है। आप देखो दो केस चलेंगे, बी और डी इधर भी हो सकता है, ये हमेशा याद रखना, ये करो कभी गलती नहीं होगी। दो केस ले लिए मैंने, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, अपने को पता नहीं। आगे पढ़ते हैं, पढ़ते जाओ, कभी यहाँ मत अरेंजमेंट करना ना, ये गलती कभी मत करना। जब तक 100% इन्फॉर्मेशन है तभी यहाँ पे अरेंज करो। आगे देखो, ए जो है बी में उम्र से उम्र में बड़ा है, ए जो है बी में उम्र में बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। सी जो है डी में उम्र से बड़ा, सी जो है डी से बड़ा है, सी जो है डी से बड़ा है, ध्यान से समझना। और ए जो है सी से एक वर्ष बड़ा है, ए जो है सी से जस्ट एक वर्ष बड़ा है, ध्यान से समझना। तो जस्ट ए और सी जस्ट पास में ही आएंगे, ए जो है सी से एक वर्ष बड़ा है, ए जो है सी से बड़ा है, ठीक है, ध्यान समझा, ए जस्ट एक वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, तो अपन चाहो तो यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो इस केस में देखो, डी जो है, अब देखो ए जो है सी से बड़ा है और ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, और जो सी जो है डी से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसमें बी और डी में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? देखो ए जो बी से बड़ा है, सी जो डी से बड़ा है, कहीं नहीं बन रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ए जो है सी से एक वर्ष बड़ा है, ठीक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी कंफर्म कुछ कुछ ना लगे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। सी और डी का बन रहा है, हाँ सी और डी का नहीं बन रहा। हाँ रुको, जैसे सी जो है डी से बड़ा है तो ये सी, हाँ यह लग जाएगा। देखो ए जो है, हाँ ये बन गया, ये वाला कंडीशन बन गया, ठीक है। हाँ मैं फिर बता, जहाँ कॉम्बिनेशन बने तो अब देखो ये पता लग गया कि अब ये कंफर्म नहीं पता लगा है, परंतु अपने को इतना पता लग गया ए जो है सी से बड़ा है, डी से बड़ा है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ याद रखो, जब ये कंडीशन आ गई, दूसरी बात क्या है, ए जो है सी से एक वर्ष जस्ट बड़ा है, ठीक है, इनमें दोनों में एक एक जैसा ही डिफरेंस है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। और बी एफ डी, ठीक है, कोई नहीं, अपन आगे देखते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है उसके, क्यों संभव पूछा है। अब देखो ध्यान से देखना, ऐसे दो केस बनेंगे इसमें, ठीक है, जैसे मैं, चलो मैं बना देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। ई मान लो कि एक केस ये है, ई यहाँ पे है, ठीक है, तो मैंने ए सी टी और ये देखो डी एफ बी, ये वाला केस ले लिया मैंने, ध्यान से समझना। अगला केस देखो, ई ए सी, अभी देखो ये वाला केस, बी एफ डी, अभी दो केस बन रहे हैं अपने को, ध्यान देखना, अभी इसके आंसर आएगा। अब देखो डी का जो आई है, कौन सा एक संभव, डी का 20 वर्ष, देखो डी का यहाँ 19 आ रहा है और यहाँ पे 17 आ रहा है, तो ये गया ऑप्शन कट गया, ठीक है, एक संभव है, ठीक। आगे देखो ऐप का 18 वर्ष है, ऐप का देखो यहाँ 18 वर्ष आ रहा है और यहाँ पे भी उसका 18 वर्ष आ रहा है, ये बात सही है। ऐप का 19 वर्ष नहीं, वो कहीं नहीं आ रहा, ऐप का 20 वर्ष वो कहीं भी नहीं आ रहा, दोनों केस में ऐप का वैल्यू 18 ही आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, सभी चचेरे भाइयों को बढ़ती उम्र के आधार पर तरह समय कितने अनुक्रम में रखना संभव है, दो, ये दो ही तो बना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा इसको करवा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। देखो छह पोजीशन दी है अपने को, क्या 3, 2, 5, 6, ठीक है। चचेरे भाई, कोई भी दो चचेरे भाई की एक उम्र के नहीं, किंतु सभी जन्म एक माँ की, तो छोड़ो ये कोई मतलब नहीं, ये फालतू इन्फॉर्मेशन। देखो आगे देखो, सबसे छोटा जो है 17 वर्ष का और सबसे बड़ा जो है ये 22 वर्ष का है, तो ये पता लग गया ये ऐसे है, ठीक है। आगे देखो, ऐप उम्र में कहीं बी और डी के बीच में, तो मैंने वही बोला था, ऐप बी और डी के बीच में ये दो केस बनेंगे, ये कंफर्म अपने को नहीं बोला, तो दो केस लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे देखो, ए बी में उम्र में बड़ा है, ए जो है बी से उम्र में बड़ा है, और आगे देखो जब इसमें से कोई रिलेटेड दिया हो तो ऐसे कोई तो दिया नहीं है, और सी जो है डी से उम्र में बड़ा है, सी जो है डी से उम्र में बड़ा और सी जो है ए से बड़ा है, मतलब ए जो है सी से बड़ा है, तो समझ में, ए जो है सी से बड़ा है और एक वर्ष ही बड़ा जस्ट, तो ए और सी हमेशा पास में आएंगे, ठीक है, डी का कोई कंफर्म नहीं है, और सी जो है डी से बड़ा है, ठीक है, और बी भी जो है डी से बड़ा है, तो इसका मतलब समझ में, तो ध्यान देखो, एक केस मैंने लिया, ई लिया, ए ले लिया, ठीक है, ध्यान देखना।
अब मैं कौन सा केस, अब देखो एक ए जो है जस्ट ये दोनों पास में आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ए और सी ले लिया मैंने, ठीक है, अब डी से भी बड़ा है ठीक वो ले लिया। अब देखो ये वाला केस, अब यहाँ पे आ जाओ क्योंकि बी अब जब अब देखो तो ये वाला चुना मैंने, बी लिया ठीक है। अब भी देखो पहली कंडीशन ये सही लग रहा है, बी बड़ा है सही है, बी लिया एफ लिया डी लिया, डी जो है सी से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन भी अप्लाई हो गई सही है। तो ये अपना बन गया पहला केस। अगला देखो ई लिया, ए लिया मैंने ठीक, ध्यान देखना सी लिया और यहाँ पर बी एफ जी की जगह डी एफ बी ले लिया। तो ये देखो अप्लाई करके देखो सारे, देखे ए जो है बी से बड़ा है हाँ सही है, सी जो है डी से बड़ा है सही है, और ए सी पास में होनी चाहिए सही है, ठीक है सारी कंडीशन लग गई। अब मैं सोचता हूँ तो आप लोगों जैसे माइंड में आया होगा कि अपन इको मतलब यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी और को कुछ ले ले, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे मालूम है ए को यहाँ से शुरू करो और सी को यहाँ से शुरू करो, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अपने पास कितने, चार स्थान हो गए, दो स्थान बचे, ठीक है। तो सबाई से बात है ये कॉम्बिनेशन आप कहाँ पे सेट करोगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं बनेगा, इसीलिए ओनली दो ही पॉसिबल केस होंगे, इसी के अनुसार आंसर आएगा एफ की एज 18 परसेंट, ठीक है। तो ये चीज़ 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देखो ध्यान से देखना ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। किसी समाज में ये रिवाज है कि एक ही लिंग के मित्र मिलते समय एक दूसरे के गले लगकर मिलते हैं, मतलब जैसे मेल जो होगा तो मेल से गले मिलेगा, फीमेल होगा तो फीमेल से गला मिलेगा, ठीक है। और विपरीत लिंग के मित्र मिलते समय एक दूसरे से हाथ मिलाकर मिलते हैं, ठीक है। जब मालूम मेल जो है फीमेल से मिल रहा है तो हाथ मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक पार्टी में मित्रों के एक समूह के मिलने पर 24 बार हाथ मिलाए गए, 24 बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। निम्न कौन सी संख्या गले लगने वालों की संभावित संख्या इंगित करती है, देखो ध्यान से बोला। तो मतलब 24 बार हाथ मिलाए गए, तो मेल और फीमेल जब मिलेंगे तभी हाथ मिलाएंगे, तो ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो पहले मैंने केस लिया, ध्यान से समझना कि सारे के सारे मैंने मेल ले लिए और एक फीमेल ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सारे के सारे मेल ले लिए तो ये बात सही हो जाएगी कि सबके सब 24 बार हाथ मिला लेंगे, क्यों सब एक महिला जाएंगे सब सब हाथ मिला लेंगे। अब देखो अगला, अब इसमें क्या होगा, कंडीशन चेंज होती रहेगी। अब मान लो मैंने अगली बार, क्योंकि 24 आना चाहिए, ये चीज़ हमेशा मोस्टली याद रखो, जब मैं 23 मेल ले लूँगा और दो मैंने मान लो फीमेल ले लिया, ठीक है, दो फीमेल ले लिया तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 23 इससे मिलेंगे, फिर 23 इससे मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये केस नहीं ले सकते, ऐसे करके सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला मैंने केस ले लिया, जैसे 12 पुरुष लिए मैंने, ठीक है, और दो फीमेल ले ली मैंने, ध्यान से देखना। तो 12 एक से मिले, 12 दो से मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये वाला केस भी लग रहा है अपना, ठीक है। अगला देखो, अगला मैंने लिया 6 लिया, मतलब समझ में आता 24 का मल्टीपल कितने में आएगा, तो वही वाला केस है। 24 का मल्टीपल 24 × 1 आता है, 12 × 2 करके आता है, और 6 × 4 आता है, ठीक है। 8 × 3 से भी आएगा ना, 8 × 3 से भी आएगा। तो ये याद रखो, मैंने बताया था उसका फैक्टर निकालने वाला तरीका, ठीक है। तो 24 का फैक्टर वाला निकालने का तरीका तो वो याद करो, 24 को अपन तोड़ो इसको, 24 को पहले अगर मान लो 12 × 2 में, जब प्राइम नंबर था इसको तोड़, प्राइम नंबर था तोड़ते रहो, ये प्राइम नंबर टूट गया अभी इसको तोड़ो, 4 और ये 3 में छूटा, ये 3 प्राइम, अभी इसको 2 × 2, ठीक है। अभी ऐसे करके इसको, ये प्राइम नंबर में टूट चुका है, ठीक है। तो ये वो वाला तरीका था, गले लगने की संभावित संख्या इंगित करता है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये वाला वही तरीका हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से देखना, जब मैंने मतलब ये मेल और फीमेल का 24 है ना, ध्यान देखना, मेल इंटू फीमेल बराबर 24। अब मैंने मेल जब 24 के 24 ले लिए, ठीक है, ध्यान समझना, फीमेल एक लिया तो ये पॉसिबिलिटी तभी बनेगी, ध्यान समझना। अब देखो ध्यान से देखना, जब मैं 24 के 24 मेल ले लूँगा तो ये कितनी बार गले मिलेंगे, इनमें कौन सी एक संख्या गले लगने की संभावित संख्या इंगित करती है। अब देखो ध्यान से, मतलब मैंने देखो फीमेल एक से तो मिल नहीं सकती, ये कैंसिल कट जाएगा, 24 है तो ये कितनी बार मिलेंगे, C2, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 276 हो जाएगा, ठीक है। 24 व्यक्ति है, 2 से व्यक्ति मिलना, ठीक है। अगला देखो, अगला पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, 12 × 2, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन लेके तो देखो, 12C2 + 2C2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 67, ठीक है। अब देखो इसलिए ना निकालना पड़ेगा आपको। तो अब देखो अगला देखो, 4 × 6, अब देखो 4 मेल है तो 4 में से 2 मेल मिलने का तरीका, प्लस 6 फीमेल है
दो मिलने का तरीका, तो ये हो जाएगा 4 × 2 करोगे तो कट जाएगा, दो दो कट जाएगा दो, ये कितना आ जाएगा, छः, छः हो जाएगा। हाँ देखो 4 शीट, रुक जाओ 1 मिनट, समझ में आया। तो ऐसे करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करके देखना पड़ेगा। एपी एपी का फॉर्मूला याद है सर, एपी बराबर क्या था फॉर्मूला? उसे क्या होगा, उसे नहीं होगा, ये क्यों होगा उससे? अरे वो क्वेश्चन नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। देखो ना इधर, चार मेले मान लो, मैंने 4 मेल लिए ठीक है, और मैंने 6 फीमेल ले लिए, ध्यान से समझना। अच्छा, 6 फीमेल एक दूसरे गले मिल सकती है, तो गले मिलने की जो संभावना कॉम्बिनेशन कितने का, 6 C2, और ये जो है पुरुष जो है 4 C2, दोनों का 8 चाहिए ना, जो जोड़ देंगे। अब देखो 4 फैक्टोरियल कैसे लिखते, 3 × 2 × 1। अब देखो 4, मैंने वही फॉर्मूला याद रखना बार बार, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल तो 2 × 1, अरे 4 में 2 घटाओगे तो वो भी 2 × 1 बच जाएगा, तो कट गया कट गया, ये कट गया 2, ये तो कितने पुरुष 6, 6 तरीके से गले मिल सकते हैं। आगे देखो 6 C2, 6 में से 2 का चुनने का, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है, 2 का 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा 4, तो 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है, तो ये गया 2 से ये गया 3, 3 बजे 15, 15 15 6 21, दैट इज द आंसर। अब मैं फिर बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आके ऑप्शन चेंज करके सेम क्वेश्चन बदल जाएगा जो आपने निकाला था, तो याद रख रहे इसमें करना क्या है, वही सेम चीज़ करना है। 24 का पहले ब्रेक डाउन करो, 24 कैसे कैसे आ सकता है, 1 × 24, फिर 2 × 12, 3 × 8 ठीक है, 4 × 6 ठीक है, और तो कोई से तरीके से आ जाएगा आगे, फिर भी यही कॉम्बिनेशन रिपीट होने लग जाएगा, तो ये चीज़ रखना, ऐसे निकलेगा दैट द बेस्ट मेथड, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, वही तरीका उसका, वही एपी एपी वाला कुछ नहीं लगेगा उसमें, समझ में आया ना मैंने कैसे बताया क्वेश्चन, वो चीज़ याद रखो, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपकी बैटरी डाउन हो रही है। हाँ नहीं, चार्ज लगा दिए अब, ओके ठीक है। आगे देखो, अब 4 क्वेश्चन बचे हैं ना, 5 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ठीक। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं है, देखो कौन सा खत्म सत्य है, तो कौन सा खत्म सत्य है, तो सारे केस लेने पड़ेंगे। देखो दो पुरुष है, अनिल और डेविड ठीक है, दो महिलाएँ हैं, शबनम और रेखा ठीक है, एक विक्रेता समूह में है ठीक है, कहीं पे भी सेलिंग जो मार्केट है उसमें काम करते हैं ये, केवल 2 तमिल वासी हैं, तो ये वो टेबल बनाने वाली बात आ गई ठीक है, चाहो तो टेबल बना लो ठीक है। ये अनिल हो गया, ये डेविड हो गया, ये महिला शबनम हो गई और ये रेखा हो गई, केवल 2 तमिल वासी है, T1 T2, ध्यान समझना, 2 मराठी भाषी है, M1 और ये M2 ठीक है, इनमें से केवल एक पुरुष और एक महिला कार चला सकती है, केवल एक पुरुष हो सकता है, वो ए और डी में से कोई, मतलब अनिल और डेविड उसमें से कोई भी है, एक ही चला सकता है, अरे इनमें से केवल एक पुरुष और एक महिला कार चला सकती है, ध्यान देखना, शबनम मराठी भाषी है, अब देखो ये पता लग के जा रहा है उसको बोला करते, शबनम जो है शबनम मराठी भाषी है ठीक है, ये पता लग गया, तो शबनम इसके बोला ना तमिल होगी वो कुछ होगी ठीक है, मराठी भाषी वो है, तो ये M1 जो है अपना भर गया सब जगह ठीक है। आगे देखो, शबनम मराठी भाषी है, अनिल तमिल भाषी है, अनिल जो है तमिल भाषी है ठीक, ध्यान देखना, अनिल मान लिया मैंने ये है ठीक है, अनिल तमिल भाषी है ठीक है, तो ये किसी का नहीं होगा ठीक है। अब आगे देखो, तमिल को भी कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए होगी, अब सारा हो गया कंप्लीट ठीक। अब देखो आगे देखो, हाँ रेखा और डेविड दोनों कार चला सकते हैं ठीक है, रेखा है, रेखा रेखा ये रही, ये कार चला सकती है, और डेविड जो है वो कार चला सकता है, बस यही इन्फॉर्मेशन दिया है और कुछ नहीं। अब अपन ना क्वेश्चन के आधार पर करेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं, अरे नहीं तमिल भाषी तो कौन है, अनिल है ठीक है, अरे इधर जो रेखा है वो देखो तमिल, दोनों के दोनों तमिल तो हो ही नहीं सकते, दोनों में से एक ही होगा, अगर देखो ध्यान देखो, अगर मैं इसको टिक कर दिया तो ये नहीं होगी ना, फिर दोनों तमिल तो हो ही नहीं सकते, गलत, दोनों मराठी भाषी कार चला सकते, ध्यान देखना, मराठी ये है, ये माल पहली बार ये शबनम चला ही नहीं रही, ये तो मतलब ही नहीं है, गया काम से, दोनों कार चलाने वाले मराठी भाषी, अरे नहीं ये देखो कैसे, तो ये तमिल होगा या कोई मराठी होगा, दोनों में से एक कॉम्बिनेशन बनेगा, नो कार चलाने वाले में से एक तमिल भाषी, हाँ ये बात सही है, क्योंकि कह तो ये होगी या ये होगी, तो ये बात सही है, आंसर डी आ जाएगा, देखो टेबल बनाने से हो जाता है फट से, जैसे कन्फ्यूज रहोगे फिर,
टेबल बनाना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हुआ आगे जाके। नहीं मैं फिर बता, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। एक समतल में रेखा एक्स है ठीक है, और रेखा वाई के अनुलंब है ठीक है, एक्स रेखा है, एक रेखा वाई के अनुलंब है, अनुलंब मतलब उसके 90 डिग्री पे है। तो कुछ भी बना लो, चाहे एक्स को अगर ऐसे बनाओगे ना, ध्यान से देखना, तो वाई ऐसे बनेगा ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और जेड के समांतर, अब देखो ये याद रखो, और मतलब एक्स की बात कर रहा है, एक्स रेखा एक्स रेखा वाई के अनुलंब है और रेखा जेड के समांतर है, जेड के समांतर है, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से समझो ठीक है। आगे देखो, रेखा यू जो है रेखा वी और रेखा डब्लू दोनों के अनुलंब है, अब ध्यान से देखना। तो रेखा जो यू है, मान लो मैंने ये रेखा यू लिया कोई, अब ये जो वी और डब्लू के अनुलंब है, तो ये वी हो गया और ये डब्लू हो गया ठीक है, दोनों के अनुलंब है ठीक है। अब ये देखो ये बन गया, और रेखा एक्स है जो वी के अनुलंब है, रेखा एक्स है वी के अनुलंब, देखो ये बन गया, हाँ तो ये सही है, अरे वाई के पहले अनुलंब थी और ये डब्लू के भी अनुलंब हो जाएगी रेखा एक्स। अब कौन सा कथन सही है, अब देखो ध्यान से देखो, जेड जो है जेड जेड ये रहा, यू और डब्ल्यू के समांतर, अरे नहीं एक्स और यू के समांतर है, काट दो। अब आगे देखो, एक्स वी और वाई के समांतर है, नहीं एक्स यू और जेड के समांतर है, काट दो ठीक है। आगे देखो, जेड जो है जेड ये रहा, यू और वी, यू और वी, यू और वी और सभी डब्ल्यू के अनुलंब है, अरे नहीं देखो ये जो वाई जो है, सॉरी वी जो है इसके समांतर है, अनुलंब नहीं है, कट जाएगा। वाई जो है वाई, हाँ ये वाई है, वी और डब्ल्यू के समांतर है, हाँ ये बात सही है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नहीं तो आप कन्फ्यूज आओगे अभी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। एक गाय की कीमत है 4 बकरी की कीमत से अधिक है, ये बोल दिया कि एक गाय की जो कीमत है, मान ली मैंने बकरी की कीमत मान ला 200 रुपये मान ला ठीक है, ध्यान से समझना, और गाय की कीमत मैंने मानी 1000 रुपये। अब देखो एक बकरी की कीमत 200 है, तो 4 बकरी की कीमत कितनी होगी, 800, फिर भी गाय की कीमत जो है ज़्यादा रहेगी ठीक है। आगे बढ़ो, लेकिन 5 बकरी की कीमत से कम है, तो ये थोड़ा मान लो कि नहीं, तो इसको तुम मान लो 1100, अरे इसको मानो तुम 250 ठीक है, 250 इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000, ध्यान से समझना, 1000 आ जाएगा, पर ये अभी भी 1100 है, तो ये तो ज़्यादा है, पर तो जैसे 250 इंटू 500 करोगे तो 25 125, मतलब 1250, तो 1250 ज़्यादा चला जाएगा 1100 से। तो ये देखो स्टेटमेंट अपन यहाँ तक माने, वो सही बात हो गई। यदि एक बकरी की कीमत 600 और 800 के बीच में है, तो निम्न में कौन सा सर्वोत्तम निष्कर्ष होगा। अब देखो यहाँ पे तो अपन ये मान के चला 250, कोई बात नहीं, अपन मान के चलते हैं इनके बीच में, बीच में माना है तो बीच में कुछ भी ले सकते हैं अपन, ध्यान से मैंने ले लिया 700, ध्यान से समझना, 700 ले लिया, तो 700 बकरी की कीमत जो है एक है 700, तो 4 का मान कितना होगा 2800, तो समझ, जब ये ज़्यादा है तो ये 2900 है गाय की कीमत, और ये जब है 2800 है ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये बोला कि इसकी कीमत 5 बकरी की कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो मान लीजिए 3500 हो गया, और ये ज़्यादा हो जाती है 2900 से ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। अब देखो एक गाय की जो कीमत है 2500 से अधिक है ठीक है, अब देखो मैं वही मैं बता रहा हूँ, अपने 700 लिया, अगर मैं मान लो 600.01 ले लूँगा, तो ये तो देखो केस ही फेल हो जाएगा, तो तब तो देखो 2400 ही हो गया तो वो तो नहीं ले सकते ना, ये कंफर्म नहीं बता सकते अपन। अगला कट गया, एक गाय की कीमत 3600 से कम है, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, अब मैंने मान लो मैंने ले लिया 8 790, 790 को तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 36, 3 4 कम 4 4 28 31 36 ठीक है, 3600 से कम है, एक गाय की कीमत 3600 से कम है, अब नहीं, अब देखो 3160 में ले रहा हूँ, तो ये 4 बकरी की कीमत सबसे ज़्यादा होगी, अगर मैं 790 को 5 से गुणा करूँगा तब पता लगेगा, 0 7 5 9 45 4 728 5 से थे 35 35 39, देखो अब यहाँ पे ये, अब ये तो गलत हो गया ना ये बात, हो सकता है 3600 भी हो 3800 भी हो, एक गाय की कीमत 2600 और 3800 के बीच है ठीक है। अब देखो ये तो चीज़ समझ नहीं, अब ये भी नहीं अपन कंफर्म नहीं बता सकते ना, अब देखो कैसे, मैंने बोला था ना जैसे 2600 से कम में ला के बता दिया था, जब 601 लोगे तब 4 देखो
चार एकम छः जीरो, छः चौका चौबीस। अब देखो ये इतना आ गया, अब कैसे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। एक गाय की कीमत 2400 और इससे, हाँ ये बात तो सही है, आप 600 इंटू मतलब 27 बात इसके बीच में 601 आपको इतना तो लेना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम 799 इंटू ये, अभी देखो 5945 चार, 5945 49 चार, 7535 ये, हाँ इसके बीच में लेना पड़ेगा आपको, तो ये बात सही है एकदम। तो एक तरीका ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, एनालाइज करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बता देता हूँ, जैसे चार गाय का, चार जो बकरी है उसकी वैल्यू काऊ के इससे तो कम है, ठीक है, परंतु उसका जो है पांच जो बकरी उससे ज्यादा है, ठीक है, तो सबाई बात है, कम है तो चार को जो कम वाली वैल्यू अच्छे से गुणा कर दो, ठीक है, और इसका जो है मैक्सिमम से गुणा कर दो, उससे भी आ जाएगा। देखो ये आ गया 2400 पाव का वैल्यू, सबाई सी बात है इसके बीच में ही होगी, तो वही तो मैं तरीका करा रहा था, और जो मैंने तो तरीका बताया उससे लेके गया था, मतलब आपको पॉसिबिलिटी खोजनी है, यूपीसी यही चाहती है, आपको 601 भी लेके देखना, 799 भी लेके देखना, 700 भी लेके देखना, ये चीज़ याद रखना हमेशा, और यूपीसी यही चाहती है, यू हैव टेक इट, मतलब आप समझ, कल प्रशासन ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी लेके चलो हमेशा, एक डिसीजन नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी बनी रहती। चलो देखो ये वही वापस वो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा करके देखना पड़ेगा। देखो ध्यान देखो, एक समाज में केवल दो प्रकार के लोग होते हैं, कहते योद्धा होते हैं या कायर होते हैं, बस दो ही प्रकार के लोग हैं, ठीक है, दो कायर हमेशा दोस्त होते हैं, जो भी दो कायर रहेंगे सब ऐसी बातें, तो बात सही भी है, कायर कायर दोस्त बन जाएंगे, और एक योद्धा और एक कायर हमेशा दुश्मन होते हैं, तो ये हमेशा पोजीशन में रहेंगे। योद्धा एक दूसरे में उदासीन रहते हैं, वो एक दूसरे में उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, नहीं सब झगड़ा हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। यदि ए और बी दुश्मन है तो सब ऐसी बात है, देखो ध्यान से समझना, पहला केस है तो यहाँ मत भरो, मतलब दो प्रकार के लोग, ठीक है, ध्यान देखना, तो ए बी दुश्मन है तो ए सब ऐसी बात है योद्धा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये मान लिया मैंने योद्धा है, ये कायर ले लिया, तो दोनों केस बन सकते हैं, क्यों अपने कंफर्म कुछ भी नहीं बोल रहा अभी, ठीक है, ए और बी दुश्मन है, सी और डी दोस्त है, सी और डी अपने को पता लग गया दोस्त है, तो कैसे, तो वो सी और जो डी है कायर होंगे, या जो सी और डी है योद्धा होंगे, इतना तो पता लगे, दोनों एक साथ ही आएंगे, ठीक है। ई और एप एक दूसरे के उदासीन है, तो ई एप भी कि ई एप उदासीन है, तो उदासीन तो पता लग गया कि योद्धा ही होते हैं एक दूसरे के, ई एप तो इधर ही आएगा, ठीक है, सी और डी भी दोस्त है, तो दोस्त हो भी सकता है कि एक योद्धा और कायर हमेशा दुश्मन होते हैं, दो कायर हमेशा दोस्त, हाँ ये पता लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दो कायर हमेशा दोस्त होते हैं, तो सी और डी इधर आ गए, ठीक है। अब आगे देखो, ए जो है, ए और ई दुश्मन नहीं है, ए और ई दुश्मन नहीं, तो सब बात है, ए इधर आ जाएगा और तो ऑटोमेटिक बी इधर चला गया, बी आर एप दुश्मन है, तो बी आर एप दुश्मन है, ये बात सही होगी, उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो ध्यान से देखना, बी सी एफ कायर है, बी सी एफ कायर है, नहीं गलत, ए ई एफ योद्धा है, हाँ ये बात सही आंसर आ गया, बी और ई जो एक ही कोटि का, अरे नहीं विपरीत है, ए और एफ अलग कोटि भिन्न कोटियों में, अरे नहीं एक में ही है, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। आगे देखो, एक बक्से में जिसमें गोलियाँ हैं, लाल गोलियों से तीन कम सफ़ेद गोलियाँ हैं और हरी गोलियों से पाँच अधिक सफ़ेद गोलियाँ हैं, यदि कुल 10 सफ़ेद गोलियाँ, तो मैं फिर बता रहा हूँ हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में पीछे से पढ़ा करो तभी आंसर आएगा, देखो ध्यान देखना, यदि कुल 10 सफ़ेद गोलियाँ तो बक्से में कुल कितनी गोलियाँ, तो 10 कितनी होगी वाइट गोलियाँ, वाइट गोलियाँ, अब देखो अब पढ़ते जाओ उल्टा, अब कहाँ वाइट की बात कर रहे हैं, हाँ देखो वाइट गोलियाँ 10 है अपने पास, वाइट गोलियाँ 10 है, अब देखो ध्यान देखना, लाल गोलियों से तीन कम सफ़ेद गोलियाँ हैं, अब तो सबाई सी बात है रेड कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ऑटोमेटिक पता लग गया, देखो अब पढ़ो, लाल गोलियों से तीन कम सफ़ेद गोलियाँ हैं, तो सफ़ेद गोलियाँ 10 है तो तीन कम है रेड से, तो रेड कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, आगे पढ़ो, और हरी गोलियों से पाँच अधिक सफ़ेद गोलियाँ है, हरी गोलियों से पाँच अधिक, हरी गोलियों से अगर पाँच अधिक है तो हरी कितनी हो जाएगी, ग्रीन पाँच हो जाएगी, क्योंकि पाँच अधिक है तो मतलब समझिए 10 है तो ये पाँच हुई ना, ठीक है, तो आ गया, तो कुल गोलियाँ कितनी हैं, 10 13 ये, तो 20 23 5 28 आंसर ये रहा।
मैं फिर बता रहा हूँ, उल्टा चलना, नहीं तो क्वेश्चन कन्फ्यूज आ जाओगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 60 पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं परीक्षार्थी थे। अब देखो मैंने 100 का लिया, ध्यान से समझ, 100 का ले ला, 100 में से 60 लिया मैंने मेल, 40 लिया फीमेल, बस अब काम करते जाओ। 70 पुरुष और 75% महिलाएं प्रतियोगी ने हर एक परीक्षण में सफल होकर अंतिम परीक्षण में भाग लिया। अब ध्यान से देखना, 60 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा, 42। ठीक है, और 40 का 75% निकालोगे, अभी निकाल लिया करो ऐसे, नहीं निकले तो 75 75, 25 का 100, 4 10 30, तो 30 महिलाएं जो है, 40 में 30 महिलाएं सफल हो गई, ये 60 में से 42 महिलाएं पुरुष सफल हुए। अब देखो, अब ये मान लो पहले मान लो पीटी में क्वालिफाई हो गए, अब ये मेंस एग्जाम दिए हैं, ध्यान समझना, ये मेंस एग्जाम दिए हैं, मेंस देखो आगे देखो, मेंस जो है इसमें जो है 80% पुरुष और 70% महिलाएं सफल हुई। अब देखो ध्यान से देखना, 42 का 80% निकालो, गया 0 0, इधर कटा 8 4 गया, ये 5 गया। ठीक है, अब ये 4 काट लो, 5 8 40, 8 5 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मतलब 10 नहीं आएगा, मतलब समझो क्यों परसेंटेज में दिया था ना अपन ने, उसमें लिया 4 4 16, 8 1 4 8 32, 33.6 लोग समथिंग ये सफल हुए। अब इधर देखो महिलाएं कितनी हुई, 70% सफल हुई, 30 का 70% निकाल लो तो ये 21 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आप देखो ध्यान से समझना, अभी क्या पूछ रहा है, महिलाओं में सफलता दर उच्च है। ठीक है, महिलाओं में सफलता दर उच्च है। अब ध्यान से देखना, 40 महिलाएं थी उसमें से 21 महिलाएं सफल रही। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालेंगे अपन, तो ये देखो 4, अभी इसको काट लो 2, ये 5 आ गया, ये देखो 5 5 5 5 2 10, 2 का भाग दे दो, 2.5 2 2 4, 52.5% ऐसे आए, महिलाओं की सफलता दर इतनी आई। ठीक है, पुरुषों की निकालोगे, पुरुषों देखो मान लो कि कितने में से 60 में से 33.6 पुरुष मान लो कि ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, 33.6, चाहते तो अपने वही कर ले, चलो कोई नहीं, 6 इंटू, ठीक है इधर 100, 0 0 गया, 1.1 आएगा तो वो भी 0 कट जाएगा, 6 का भाग दो, 56 30, देखो 6 6 36, उल्टा 56% आ रहा है, देखो पुरुष का रेशियो ज़्यादा आ रहा है, गलत, यही होता है कि चीज़ निकालनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखो, समग्र सफलता दर जो है 50% से नीचे, अरे नहीं देखो दोनों जोड़ लेके देखो, ये 56 है ये 52 है, तो ये तो 50 से ऊपर ही जाएगी ना, काटो, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक संख्या में सफल रहे हैं, ये बात तो सही है, देखो संख्या में भी सफल ज़्यादा रहे हैं, 33 ज़्यादा रहे हैं, आ गया आंसर। ठीक है, अब मैं फिर बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन नहीं है और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये अच्छा लेवल पकड़ चुका पेपर अब 2015 से, इज़ वेरी वेरी गुड पैटर्न, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ईजी थे, अब वो आगे कम होते जाएंगे, और टफनेस का लेवल नहीं, ये अच्छे से जो क्वेश्चन है यही बढ़ते जाएंगे, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मुझे पता है कौन भरोसा कौन कौन, अभी तक तो कोई टिका नहीं।